मैसेज के द्वारा तो आपको बता ही दिया गया था कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है। आपने मैथ टॉपर क्विज में हिस्सा लिया और उस लिस्ट में जैसा कि बताया गया था कि टॉप 10 कैंडिडेट्स को नगद इनाम दिया जाएगा, टॉप 1, 2 और 3 को नगद इनाम मिलेगा और टॉप 10 को बुक्स देंगे 11th का और मेडल वगैरह दिया जाएगा। तो उस लिस्ट में जो आपका भी नाम, अभी मैंने यहाँ पर टोटल 16 कैंडिडेट को बुलाया, ठीक है। तो आप ही में से कोई टॉप 1 में है, कोई टॉप 2 में है, कोई टॉप 3 में है, कोई टॉप 10 में भी है, ठीक है। तो 16 टोटल कैंडिडेट थे, तो चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था, ताकि कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम ले रहे उसमें प्लस टू वाले बच्चे बैठ गए या ग्रेजुएशन वाले बच्चे बैठ गए, तो जिस वक्त लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देते हैं फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त हम सबको जाके चेक नहीं करेंगे या सबको मना नहीं करेंगे कि आप नहीं भरिए, ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। तो जो इनाम मिलेगा, जो प्राइज मिलेगा, वो जेन्युइन बच्चे को जाए, जो सही में उसके हकदार है। ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन वाला बैठ के और अपना मैट्रिक कर लिख दिया और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो तो आपसे आगे निकल जाएगा। तो जो हकदार हैं असल में इनाम के, उन्हीं को इनाम मिले, इसीलिए आपको बुलाया गया। और अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं निकला है जो कि प्लस टू का हो या ग्रेजुएशन वाला हो। आप सब लोग जो है इसी साल 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं मैट्रिक का, है ना। कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, बिहार बोर्ड से जो है उनका एग्ज़ाम हो चुका है, और जो लोग CBSE से हैं उनका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। एक ही पेपर अभी हुआ है जैसा कि आपने भी सुना भी होगा, और पेपर अभी आपका लगातार होगा। बाकी है CBSE में थोड़ा सा गैप गैप का एग्ज़ाम होता है, दो चार दिन के गैप के बाद एक पेपर होता है, एक महीना एग्ज़ाम खींचा जाता है, चल जाता है। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोग जो है मुबारकबाद के हकदार हैं कि आपने मैथ टॉपर क्विज में हिस्सा लिया, शामिल हुए और टॉप 10 में आपने अपना नाम दर्ज कराया। क्योंकि ये एग्ज़ाम अच्छा खासा एग्ज़ाम था और स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम था, हालांकि अगर देखा जाए तो क्लास 10th ही का कहा जाएगा इसको। लगभग सारा जो क्वेश्चन था वो क्लास 10th के ही सिलेबस से था, 100 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया था जो लॉजिकल था, थोड़ा सा उसमें आपको अलग से कुछ आपको लगा होगा कि ये सिलेबस से थोड़ा सा हट गया, आपको पहले भी बता दिया गया था, है ना, कि कैसे कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो पैटर्न आपको पहले बता दिया गया था, और ये एग्ज़ाम जो है निगेटिव मार्किंग के साथ था, है ना, कि एक अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, और अगर आपने 0.25 और चार अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका एक नंबर कटेगा, और एक सही कर रहे हैं तो एक नंबर मिलेगा। तो टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम आपसे लिया गया था, और इस एग्ज़ाम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन जिस हिसाब से सेट किया था, आप ही में से कुछ जो बच्चे भी बैठे हुए हैं टॉपर लिस्ट में जो आए हैं टॉप 1 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में, ये जो बच्चे हैं टॉप 5 तक अगर कहा जाए बहुत बेहतर स्कोर है। जबकि इतना ज़्यादा स्कोर करने का हमको नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे बच्चे, लेकिन उन्होंने इसका मतलब ये है कि क्लास 10th में अच्छा मेहनत किया और मैथ पर जो है अच्छा खासा उनको पकड़ है, बेसिक वगैरह अच्छा खासा उसका स्ट्रॉन्ग है। चूँकि 100+ लाना और 100 के करीब पहुंचना ये एक चैलेंजिंग बात है, है ना। 120 क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने 100 भी क्रॉस कर दिए, कुछ बच्चे 100 तक पहुँचे। तो आप ही में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100+ हैं वही, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 के करीब है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 बच्चे ऐसे हैं टॉप 10 का तो बहुत बेहतर रिजल्ट है, और 6 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 10 तक को बीट किया, उन्होंने कोशिश किया है कि टॉप 10 में के लिस्ट में जाए लेकिन वो नहीं जा पाए, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनको भी इनाम दिया जाएगा। घबराना नहीं है, अगले बार आपको मौका मिलेगा अगर प्लस टू में इस तरह का मैथ का एग्ज़ाम देने का, तो फिर से आपके पास एक मौका मिलेगा प्लस टू में, यानी कि 12 वाले एग्ज़ाम में 2025 में। तो अगर उसमें आपको देना चाहें 2025 में नहीं सर, आपको 26 में भी है ना, आप तो भी 11th पढ़िएगा फिर 12th पढ़िएगा तब फिर कभी जाकर आपको मौका मिलेगा, या कभी 11th में कोई एग्ज़ाम करवाए, और इस तरह का जब भी कभी प्रोग्राम होता है ना तो उन्हें ज़रूर शामिल हुआ कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी जितने लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम दे चुके हैं जो बिहार बोर्ड के, वो बताइए कि इस एग्ज़ाम से आपको बिहार बोर्ड में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ ना। और जो लोग अभी CBSE का एग्ज़ाम देंगे उनको इस बात का आइडिया लगेगा कि हाँ इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक तो OMR शीट का प्रैक्टिस, कुछ बच्चे ने क्या किया है कि A की जगह पर D रंग दिया, B की जगह पर C रंग दिया, 25 का B में रंग दिया और 26 के B में रंग दिया, या 25 के बी लगाने की जगह पर 25 के सी में लगा दिया। ऐसा ऐसा मिस्टेक जो आप यहाँ किए होंगे, तो उम्मीद करते हैं आप जो बोर्ड एग्ज़ाम में वैसा गलती नहीं किए, है ना। कुछ बच्चे का ऐसा हुआ है,
और मार्कशीट में से काट के और फिर बी सही किया, ए को काट दिया फिर बी से बी को सही किया। तो इस तरह का आपने यहाँ पर सीखा होगा, जो मिस्टेक कर रहे हैं आप आगे चल के, और आपको मौका मिलेगा एग्जाम देने का तो उसमें भी आप कुछ सीखेंगे, उसमें भी आपकी गलती नहीं होगी। तो अभी जो हमारे पास टॉपर लिस्ट में है उनका थोड़ा सा हम चेक चेक करेंगे, वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन तो हो चुका है, हल्का सा आपसे हम पूछताछ करेंगे। तो 3 दिन सेट में हम आपसे पूछताछ करेंगे और उसके बाद आपको हम छोड़ देंगे, और बाहर जो है फैद आंसर है, हल्का फुल्का आपसे पूछेंगे कि क्या पूछा गया आपसे, कैसा रहा आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम, यही सब पूछताछ होगा। उसके बाद फिर आप अपने घर चले जाइएगा और फिर आपको हम मैसेज करेंगे कि किस दिन आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आप जो यहाँ पर अभी 16 बच्चे हैं या 15 बच्चे मौजूद हैं, एक बच्चा अभी देर से आएगा, थोड़ा सा इमरजेंसी होगी उसके साथ, गुड्डू कुमार नाम का है, वो भी टॉपर लिस्ट में आपके साथ, तो अभी 15 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। तो आप 15 में से एक भी बच्चे एबसेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही तो मेन रौनक हैं। जो प्रोग्राम जिस दिन होगा उस दिन अगर आप ही गायब हो जाएंगे, अब हम पुकारते रहेंगे आपका नाम, पता चला आप ही गायब हो गए, तो इसलिए पहले से ही आपको बुला के वेरीफाई कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि आप सबको तो वहाँ मौजूद रहना ही रहना। हो सकता है आपका प्रोग्राम यहीं पर हो, इंस्टीट्यूट पर ही हो सकता है, सामने वाले मैदान में हो, या किसी और जगह अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस जगह पर प्रोग्राम है, इस दिन प्रोग्राम है, इस टाइम में आपको पहुँचना है, ठीक है। तो आप लोगों को तो परमानेंट रहना ही रहना, हाँ अगर कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ ऐसा हो गया आपके साथ कि आप नहीं आ पाएंगे, बीमारी पड़ गए, तब कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर रहते हुए कोई इमरजेंसी अगर नहीं है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होना है। CBSE वाले बच्चे बताइए कि लास्ट एग्जाम कब है? मार्च 11 को, उसके बाद खत्म है, यानी कि 11 के बाद प्रोग्राम किया जा सकता है ना, 11 के बाद आपको बुलाएंगे इत्मीनान से, प्रोग्राम होगा। 11 को प्रोग्राम कम्प्लीट है। ईशा, ईशा CBSE से हो? 13 को कंप्यूटर का IT। अच्छा, जिसका कंप्यूटर है, और जिसने कंप्यूटर नहीं लिया उसका 11 का कम्प्लीट है क्या? जी। अच्छा, यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आ रहा कंप्यूटर। अच्छा, तो हल्का फल्का आपसे हम पूछताछ करेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम पहले CBSE बोर्ड के बच्चों से, ताकि आपको हम छोड़ दें, है ना, पहले, और आप फिर अपने घर चले जाइए और फिर तैयारी में लग जाइए, ठीक है। CBSE में गर्ल्स कितनी हैं? एक ईशा कुमारी है, और आप भी CBSE से हैं, और कोई CBSE से हैं? नहीं, एक आप है CBSE से, है ना। चलिए ठीक, थोड़ा सा हम आपसे पूछताछ करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, एक दो सवाल होगा। जो देखिए, जो मेन एग्ज़ाम था आप दे चुके हैं, और जो टेस्टिंग था, जो वेरिफिकेशन था, वो मैंने आपका कर लिया, ठीक है, कि आप जेन्यून हैं, आप कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो प्लस टू के हैं या ग्रेजुएशन के हैं, या आप जो है पास आउट हैं फिर बीच में बैठ के आपने एग्ज़ाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे ही बच्चे जो भी हमारे पास हैं वो जेन्यून हैं, सही हैं, और जो भी इसमें लिस्ट में हैं वो इनाम के बिल्कुल हकदार हैं, है ना। चलिए, तो आप लोग ऐसा कीजिए, दो आदमी इधर से निकल के पीछे जाइए, आप दोनों आगे आइए, इधर से निकलिए, आप दोनों आगे आइए, और घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे आपके सिलेबस से ही, आपने पढ़ा हुआ होगा सब कुछ, हल्का सा टेस्ट है आपका जो आपने एग्जाम दिया है और आपको याद भी होगा, है ना। चलिए, तलहा रैयान आप इधर आइए, इधर आइए, पूरा इधर आइए, पूरा इधर आइए, आप निकल के पीछे जाइए, आप निकल के पीछे ले जाइए, पूरा सजिएगा, तलहा और रैयान आप तीनों को हम पहले छोड़ेंगे, फिर इन लोगों का हम पूरा टाइम लेंगे, आप लोग जाइएगा फिर अपनी तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम की। चलिए, आपका नाम क्या है? रुचि कुमारी। आपका? प्रत्याक्षी। प्रत्याक्षी, CBSE बोर्ड के 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और टॉप 10 में आप आए हैं। चलिए, प्रत्याशी बताइए, क्लास 10 में जो आपने पढ़ा हुआ है, बैठ के बताइए, बैठ के कोई दिक्कत नहीं, सर उम्र होती है, बैठ के ही बताएंगे। CBSE में सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको? मैथ, मैथ में, मैथ्स में
कुछ सेक्शन डिलीटेड है, जैसे कंस्ट्रक्शन पूरा डिलीटेड है और कुछ चीज़ का कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, उसके अलावा पूरा सिलेबस है। पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले यूनिट का नाम बताइए। नंबर सिस्टम। अच्छा, दूसरा यूनिट? दूसरा यूनिट लीनियर इक्वेशन। अच्छा, तीसरा? तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, नहीं, सेकंड यूनिट पॉलीनोमियल है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट? नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेरी गुड। और उसके बाद सर्कल। हाँ, ट्राइंगल। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स है और आपका प्रोबेबिलिटी। कौन सा सेक्शन आपका ऐसा है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे अगर हम आपसे सवाल करें तो आप 100% ये हैं कि आप जवाब दीजिएगा? इन सारे सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो आपको लगता है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, मेरा द्विघात समीकरण अच्छा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा है, यहाँ एटी पर अच्छा मेरा पकड़ है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है पूरे में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल का डिग्री क्या होता है? स्क्वायर टू होता है। टू टू पॉलीनोमियल का डिग्री टू होगा। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल नहीं, वैल्यू क्या होता है पॉलीनोमियल का? पॉलीनोमियल का वैल्यू, अगर हम कोई पॉलीनोमियल आपको दे दिए और मुझे बताओ उस पॉलीनोमियल का मान क्या होगा एट एक्स बराबर फाइव पर, तो क्या बोलिएगा? पॉलीनोमियल में अल्फा और बीटा वैल्यू निकलते हैं। पॉलीनोमियल में अल्फा और बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है पॉलीनोमियल में? जीरोस होता है पॉलीनोमियल का। जीरोस होता है। अच्छा, अगर उस जीरोस का क्या मतलब है? उस जीरोस का मतलब ऑफ जीरोस इन ए पॉलीनोमियल, उसका मीनिंग वो उस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करता है, उसका उसमें जब उसका वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर जीरो निकल के आता है। वेरी गुड। सम ऑफ जीरोस क्या होता है किसी पॉलीनोमियल का? माइनस बी बाई ए। नहीं, आपको पूछना चाहिए किस पॉलीनोमियल का आपने पूछा सर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, कौन सा पॉलीनोमियल? उसी के हिसाब से ना होगा बी बाई ए या सी बाई ए या माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, किसके डिपेंड करेगा पॉलीनोमियल पर? पॉलीनोमियल हमारा लीनियर है कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है, पावर में टू है कि पावर में मैक्सिमम थ्री है कि पावर में वन है। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है? वो लीनियर पॉलीनोमियल जिसका पावर वन होता है। किस पर? किस पर? ए पर। नो नो, और बोलिए लीनियर पॉलीनोमियल किसको कहते हैं? वेरिएबल पर पावर वन होना चाहिए ना, एफ एक्स बराबर अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी बी, तो यहाँ होना चाहिए वेरिएबल पर पावर है ना, वेरिएबल पर पावर वन। अच्छा, इसका जीरो पूछेंगे तो क्या होगा बोलिए? इस पॉलीनोमियल का जीरो, आपको अच्छा ये तो जीरो आपने कर दिया, उसका पूछे इसका जीरो क्या होगा? बोलो दल था जीरो बताओ तो इसका क्या होगा? एक्स एक जीरो और एक माइनस एफएक्स होगा जीरो। हाँ, एफएक्स होगा जीरो। देखो, अगर हम आपसे कहें एफएक्स हमारे पास लिखा हुआ है टू एक्स प्लस में थ्री, मैंने पूछा इसका जीरो क्या होगा, इससे क्या समझा? मतलब एक्स में कौन सा ऐसा, यहाँ पर इस पॉलीनोमियल में एक्स का कौन सा ऐसा मान रखा जाए कि इसके रिजल्ट को वो जीरो कर दे, एक्स का मान आपको बताना हो। ये तो बराबर जीरो करके निकालने का तरीका है ना, जो आपको बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सच को जीरो कर देंगे तो टू एक्स प्लस में थ्री बराबर जीरो हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना होगा? माइनस थ्री बाई टू। तो आपको बोलना चाहिए इसका जीरो से माइनस थ्री बाई टू, कि जब इसमें हम माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए, दूसरा सेक्शन क्या बताया आपने? दूसरा कौन सा सेक्शन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये बताइए पहले द्विघात समीकरण से बताइए, पहले ये बताइए कि अगर आपसे हम ये पूछें कि किसी पॉलीनोमियल का जीरो पता है आपको, यानी कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो उस पॉलीनोमियल को लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा।
नहीं, ए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या सही है जी? सर एक बार फिर से क्वेश्चन। मैंने कहा कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो से आपको पता है, यानी कि अल्फा और बीटा आपको दिया गया, तो उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो रूट्स दिया है या दो मूल के, ये जीरो से ही है, अभी पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो कैसे लिखेंगे? दोनों रूट्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो सर ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। फिर से बोलिए। ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोला था ना? सही कहा उसने। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स और अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। फिर से बोलते, क्या बोली हो? ax square हाँ, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इनटू अल्फा बीटा। यानी आप कह रहे हैं ऐसा होगा सर, ax square माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बीटा इनटू बीटा और इज इक्वल्स टू 0 0 नो पॉलीनोमियल मैंने कहा है, पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं कहा मैंने, जो है समीकरण बन जाएगा, मैंने कहा पॉलीनोमियल है ना, मैंने कहा आपसे ये पॉलीनोमियल है, इसको जीरो लगाने पर तो हो जाएगा पॉलीनोमियल इक्वेशन, है ना, द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो आप कह रहे हैं ये सही है, देखिए जरा ध्यान से, आप बोलिए तो क्या ये सही है? बोलो बोलो सर, एक को मतलब इरेज कर दीजिए, एक को हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा, एक को अगर हटा देंगे तो सही हो जाएगा ये। अच्छा पीछे से कुछ बताइए, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? वो भी एक सिंगल आता है, क्या लिखा हुआ है? क्या जी? आनंद कुमार सही है? अमित कुमार जिसे बताओ सही है क्या? आप आगे वाले मेरी पास बैठे हो, आगे वाले पर, हाँ आगे, अकेले अकेले वो खाली खाली लग रहे हैं, हाँ बैठे बैठ। देखिए पॉलीनोमियल मैंने पूछा था ना, तो ए लगाना यहाँ पर जरूरी है और साथ साथ ये ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है, इक्वेशन नहीं था, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन पूछते सो ऐसा होता, तब आप लोग ठीक बोल रहे थे सर, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, क्योंकि ये वाला जब जीरो के बराबर तो जीरो हट जाएगा, ए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर, लेकिन अगर मैंने पॉलिनोमियल पूछा है तो ए जरूरी है, मस्ट ए लगेगा ही लगेगा इसमें, है ना। चलिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है बोलिए, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं आपसे, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और अगर हम आपसे पूछें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपके पास मान लीजिए एक पॉलीनोमियल ऐसा लिखा हुआ है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, इसका मैंने पूछा आपसे बताइए सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, b बाय a, आप बोलिए। यस सर। क्या सही है? हां b बाय a, b बाय a सही है। तल्हा ये क्वेश्चन था भी आपके एग्जाम में, आप लोगों ने बनाया भी होगा, चलिए तो क्वेश्चन वही वाला पूछ लिया मैंने। चलिए दूसरा सेक्शन बताइए, तो आप क्या बताए थे कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है? सर्कल। सर्कल के बारे में, सर्कल क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? व्हाट इज सर्कल? अगर कोई पूछे बताओ सर्कल क्या है, क्या बोलते? सर्कल इज अ कंप्लीट आर्क सेक्टर इज अ एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन विथ टू रेडियस एंड वन आर्क। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ एरिया ऑफ सर्कल ड्रॉन विथ अ कॉर्ड एंड आर्क। कॉर्ड है ना, आर्क। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, अगर रेडियस आर हो तो?
टू इंटू आर सर्कल साइज क्या होता है टू पाई आर अच्छा सर्कल के अंदर एक वर्ड यूज होता है पाई पाई बहुत ज्यादा व्हाट इज पाई पाई एक वैल्यू पाई क्या वैल्यू पता है पाई क्या होता है पाई का मान आपको पता है कितना होता है पाई का मान 22/7 अच्छा पाई कैसा नंबर है रियल नंबर या इरेशनल नंबर या रेशनल 22/7 ये इरेशनल नहीं रेशनल है रेशनल नंबर पाई इज इरेशनल पाई रेशनल नंबर पाई का वैल्यू होता है कितना 22/7 3.14 होता है और पाई कह रहे हैं कि आप कैसा है रेशनल रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और वो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो अच्छा आप बताइए तो क्या इन्होंने सही कहा पाई क्या है इरेशनल नंबर क्या रेशनल नंबर सर पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि सर मतलब पाई का जो है ना वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं बस सिर्फ मान के चलते हैं कि वो 22/7 के करीब है वेरी गुड हाँ ज़्यादा सही जवाब इन्होंने दिया और पाई का मान 22/7 उसका अप्रॉक्सीमेट नियर क्लोजेस्ट वैल्यू कह सकते हैं करीब का मान लेकिन पाई कैसा है इरेशनल नंबर क्या होता है सर इरेशनल नंबर होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता और फिर ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है एग्जांपल एग्जांपल जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल बताइए एक दो सर सर 1/0 1/0 इज इरेशनल नंबर नो सर नो सर नॉट डिफाइंड ये तो अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल बताइए बहुत सारा इरेशनल नंबर है सोचिए जरा टेंथ में एक चैप्टर आपने पढ़ा है वास्तविक संख्याएं है ना उसमें रेशनल इरेशनल प्राइम नंबर को प्राइम नंबर बहुत सारा आपको पढ़ा देखिए हम हिंट करते हैं आपको तो आप बताइए कुछ 0.1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे अच्छा एग्जांपल था रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है स्क्वायर रूट के अंदर जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7 जिसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीट नहीं निकलता वो सारे नंबर्स क्या है इरेशनल नंबर इसका भी आप निकालिएगा तो मान कभी रिपीट नहीं करेगा ना ही पूरा कंप्लीट खत्म हो बात समझ में आ रही तो जैसे इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 ऑल आर इरेशनल ऐसा ही पैटर्न कुछ देखने को मिलेगा आपको इसी ठीक है चलिए है क्या अगर हम आपसे पूछें पाई है क्या व्हाट इज पाई बोलो ईशा प्रत्याक्षी चला बताओ व्हाट इज पाई वैल्यू है पाई एक वैल्यू है अच्छा क्या होता है इसका वैल्यू माना क्या उसमें 22/7 अच्छा पीछे से कोई बताइएगा अभी इन लोगों की बारी है लेकिन आप लोगों से मौका देंगे अभी हम आपको ठीक से बैठिए हाथ नीचे कर दीजिए हाँ बोलो तो पाई क्या है पीछे से कोई बताइए व्हाट इज पाई पाई को कैसे डिफाइन कीजिएगा पाई को कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज पाई को यूज़ करते हैं हम लोग 2πr है ना पाई आर स्क्वायर और सब में पाई लगता है मेंसुरेशन में जहाँ भी चले जाइए चाहे स्फीयर का वॉल्यूम पूछा जाए स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए कोण के बारे में पूछा जाए सिलेंडर के बारे में पूछा जाए सब में पाई आ जाता है तो पाई को तो अच्छे से जानना होगा ना जो चीज़ सब में आ रहा है तो उसको तो आपको जानना चाहिए बोलिए व्हाट इज पाई पाई एक रेशियो होता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा है ना देखो पाई कुछ नहीं है किसी वृत्त का सर्कमफेरेंस डायमीटर को अगर आप भाग लगाइएगा ना किसी वृत्त का सर्कमफेरेंस और डायमीटर तो ये जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है क्या आता है कांस्टेंट नो अभी पाई नहीं बोलेंगे बोलेंगे हमेशा क्या आता है कांस्टेंट और ये कांस्टेंट बराबर होता है 3.14 चाहे सर्कल ये हो
चाहे सर्कल ये वाला हो, चाहे सर्कल ये वाला हो, चाहे सर्कल कितना भी बड़ा लिख दीजिए, जो भी आपके पास सर्कल है अगर उसी का सर्कमफेरेंस और उसी का डायमीटर से भाग लगाइएगा तो ये हमेशा आएगा 3.14 के करीब। और इस 3.14 जो नंबर आ रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर पाई से। पाई इज नथिंग, पाई इज ए ग्रीक लेटर, जैसे अल्फा बीटा गामा है वैसे ही एक पाई है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3.14 जो नंबर है इस रेशियो को रिप्रेजेंट किया था किसे, पाई से। सो पाई का तो पाई को एक जैसे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं वैसे ही पाई, पाई एक ग्रीक लेटर है, वो रिप्रेजेंट किसको बताता, 3.14 एक नंबर को बताता। तो बार बार 3.14 ना लिखना पड़े, देखने में खराब लगता है ना। अगर आपसे कोई पूछे वृत्त का क्षेत्रफल बताओ तो आप बोलिएगा 3.14 आर स्क्वायर, ये बताओ अजीब नहीं लग रहा आपको, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं इसीलिए इसको। जैसे आपसे कोई पूछे सर्कमफेरेंस बताइए सी, तो 2 पाई आर, देखो देखने में अच्छा लग रहा, अब इसको बोलो 2 3.14 और आर, देखने में अजीब तरह का लग रहा। इसीलिए उस नंबर को बार बार क्या किया गया, पाई 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 हर जगह पाई यूज किया गया। आपसे कहा गया बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 3/4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर लिखेंगे 3.14 कितना ऑर्ड लगेगा देखने, असल में वही 3.14 ही है जिसका करीब वाला मान क्या होता है, एक फ्रैक्शन हम लोग मानते हैं 22/7। एक्चुअली में क्या है, रेशनल नंबर, क्या है वो रेशनल। चलिए वेरी गुड। सर्कल के बारे में ज्योमेट्री में पढ़ूंगा आप, है ना। सर्कल तो एक पढ़ना था आपको एरिया निकालना और एक पढ़ना था आपको ज्योमेट्री। अच्छा ये बताइए सर्कल में सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। 360 डिग्री, वेरी गुड। चलिए सर्कल में एक होता है टेंजेंट, किसी सर्कल पर कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, बोलिए तो। किसी सर्कल पे इनफिनिटी टेंजेंट खींच, इनफाइनाइट। अगर हम आपको बोले दो सर्कल ऐसा है जो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग, उस पर कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, 2। आपका ईशा नाम है, ईशा प्रत्याशी बोलो, आप प्रत्याशी हैं ईशा, बताओ रुचि नाम, रुचि, अच्छा रुचि बताइए किसी सर्कल पर कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, अगर दो सर्कल अलग अलग है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक दूसरे को तो बताइए तो कितना ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो भी इनफाइनाइट। आप बताइए दोनों में टच कर रहे हैं तो 2 ही होगा, दोनों में टच कर रहे हैं तो 2 ही, दोनों से टच करता हुआ। और मैंने कहा कि दोनों जो सर्कल है वो नॉट इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, अलग अलग, एक सर्कल इधर है एक सर्कल इधर है, तो बताइए तो कितना टेंजेंट हो सकता है। अच्छा चलिए एक्चुअल में आप अभी डील नहीं कर पा रहे तो आप बताइए, देखिए एक सर्कल ये है एक सर्कल ये है, अलग अलग है नॉट इंटरसेक्टिंग, कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है, आप तीनों बताइएगा। इनफिनिटी वाले वेट करें, इनफिनिटी, आप बोलिए, आप बोलिए। दो सर्कल अगर ऐसा है सो आपस में टच नहीं कर, इसको बोलते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग सर्कल, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको बोलते हैं डोंट इंटरसेक्ट। अब बताइए तल्हा अभी भी कितना होगा जवाब, बोलिए जल्दी बोलिए, 4 होगा, 4, वेरी गुड। अगर पूछे कैसे कैसे, एक सीरे में टच करेगा उस वाले पॉइंट पर टच करेगा, अच्छा आप कह रहे हैं कि एक ऐसे टच करेगा, हाँ। अरे किधर से अगला, और अगला वो वाला इस वाले पर टच करेगा, इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाले को ऐसे, हाँ। और इसका वाला भी उसके वाले, वेरी गुड। 4 टेंजेंट की जाएगा कॉमन टेंजेंट, देखिए तो इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, ठीक है। 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इफ 2 सर्कल्स डोंट इंटरसेक्ट देन टोटल कॉमन टेंजेंट्स लाइंस आर 4, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लाइन जो दोनों से टच करता हो जाएगा वो कितना होगा, 4, देखो दो ऊपर तो एक ऊपर नीचे से आई किधर से किधर से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा रुचि बताओ, चलिए तो ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सर्कल है मान लीजिए, एक टेंजेंट है और एक सर्कल का रेडियस है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर या अलग अलग, इक्वल होता है, इक्वल होता है, सेम सर्कल का, सेम सर्कल से अगर टच कर रहा है तो ये सेम सर्कल पे सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वल होगा, बराबर हो सकता है, वेरी गुड। चलिए ठीक ठीक अच्छी बात है। आप बताइए तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपका लगता है कि स्ट्रांग है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपको लगता है कि स्ट्रांग है, और दो सेक्शन बताइए ताकि हम कुछ सवाल आपसे पूछ पाए, बोलिए। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको लगता है कि मेरा स्ट्रांग है, सर एक पॉलीनोमियल भी और एक ट्रिग्नोमेट्री, पॉलीनोमियल और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री,
अच्छा तो चलिए पॉलिनोमियल का सबसे पहले यही बताइए, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो से जीरो होता है। पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो। अच्छा पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल? अगर कोई पूछे आपसे पॉलिनोमियल क्या है सर, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सर सी कांस्टेंट हो जाता है और उसके साथ जो नंबर लग रहा है एक्स वो वेरिएबल होगा और वो जो पूरा फॉर्म हो रहा है ना वो उसी को पॉलिनोमियल कहेंगे। चलिए ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल कहते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए नॉट एक्सिस्ट एक्स पर पावर एन, ए वन एक्स पर पावर एन माइनस वन, पावर से घटते हुए क्रम में हो, तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इस तरह का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल, मेरा सवाल ये आप बताइए। सर वो शायद डिपेंड कर सकता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक या लीनियर। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, कुछ खास बात होती है? सर बस उसका डिग्री फोर होता है। डिग्री फोर होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री कितना होगा? चार होगा। तुम बताओ क्या ठीक है सर, डिग्री किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है। वेरी गुड, हाँ अब ठीक है, हाईएस्ट पावर। अच्छा इसने कहा कि डिग्री अगर चार है तो उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या ये सही है? आप बोलिए दादा। दो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? दो होगा। क्वाड्रेटिक में तो दो होगा ना, द्विघात समीकरण हिंदी बोलते हैं, पीछे वाले जो हिंदी मीडियम से होते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री टू होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? बोलिए थ्री। तीन होगा। बायक्वाड्रेटिक जब होगा, जो आपको अभी नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बायक्वाड्रेटिक हाई क्लास में आप पढ़िएगा, तो बायक्वाड्रेटिक होता है डिग्री उसका चार होता है ना। अच्छी बात है, पॉलिनोमियल बताया आपने है ना, पॉलिनोमियल में जो सर ट्रिगोनोमेट्री कह रहे हैं, पॉलिनोमियल सर अच्छा सवाल कर दीजिए आपने, जवाब दिया ही है। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो क्या होता है बोलिए? ठीक है, अच्छी बात है। टेन थीटा बराबर एक और रेशियो होता है, अगर साइन को कॉस से भाग लगाएं तो क्या मिलेगा? साइन को कॉस से करेंगे तो सर वन। साइन को अगर डिवाइड करेंगे कॉस से तो मान वन होगा, सोच के बताइए। साइन को कॉस से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? टेन थीटा मिलेगा। नहीं पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नहीं तो रेशियो है, उल्टा से मैंने पूछ लिया आपसे। चलो एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पढ़ा आपने, बोलिए तो कितना होता है, क्या होता है? सर आइडेंटिटी होता है साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वन। वेरी गुड। हां और टेन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वन। अच्छा और सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू वन। वन और सर तीन आइडेंटिटीज होती है, होता है दूसरा नंबर किस बोलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, नो नो। चलिए कॉट के साथ किसका जोड़ा लगता है कॉसेक, और टेन के साथ लगता है सेक का, अब बोलिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, सेक्स का थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। और मल्टीप्लाई में भी एक आइडेंटिटी आता है साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा बराबर वन, तीन तीन इधर आ जाएगा तो तीन इधर तीन तीन कितना हो जाएगा? छः टोटल। चलिए साइन सिक्सटी का मान कितना होगा? साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू। साइन फोर्टी का मान बोलिए। साइन फोर्टी फोर्टी फाइव डिग्री बोलिए, फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी, अभी आपको नहीं पढ़ना, फोर्टी फाइव बोलिए। साइन फोर्टी, साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू होगा साइन 45 का मान सर एक मिनट सोच के बताइए। सर वन बाय रूट टू। वन बाय रूट टू, वेरी गुड। कितना देर से कह बता रहे हैं आप लोग, टॉपर्स हैं जी,
आप लोग टॉपर्स हैं सर, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपका ऊपर नीचे जो आपका पोजीशन वही रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ हम जांच रहे हैं कि आप कितना पहले से जान रहे हैं, और हो सकता है इससे आपको कुछ अभी फ़ायदा होगा अभी मेरे डिस्कशन से। और अभी जस्ट आपने एग्ज़ाम कम्प्लीट किया, ऐसा भी नहीं कि 3 महीने के बाद आपसे पूछ रहे हैं, 3 महीने के बाद भूल सकते हैं आप। अभी तो जस्ट आपने कम्प्लीट किया और मेरे पास आप आएँ ग्रेजुएशन के लिए, इसीलिए मैंने जल्दी आपको बुला दिया। तो आपको तो सब कुछ अभी याद ही होगा, है ना, उम्मीद करते हैं सब कुछ याद। आप तो एग्ज़ाम अभी दे गए, सी बी एस ई वाले तो अभी चल ही रहा है, तो अभी सब कुछ आपको याद होगा। ठीक से बैठो चाहिए, हाँ अपना हाथ अपने पास, दूसरा आदमी जगह चला जाएगा सकते हैं, लेकिन वहाँ बचेगा फिर आपका। तो ठीक, अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आया था एक ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या रिलेशन बनता है पूरी एंगल के साथ? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। 10 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? आपको याद में पूछे आपसे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बताइए? सर वो एंगल जिस पे कि 90 डिग्री फॉर्म होता है, फिर 90 डिग्री से नीचे भी हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री हो सकता है। सर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है सर, जैसे कि कोई ट्रायंगल एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर में बनता है, बस हम लोग उसको मतलब मानते हैं कि वो नीचे में फॉर्म होगा। अच्छा, तो नीचे क्या बनता है फिर? एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना मैंने सर को ऊपर किया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में उन्नयन, है ना। कोई आदमी ऊपर से जब नीचे देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से क्षैतिज रेखा से कितना सर को झुकाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन को, हिंदी बोलते हैं इसको अवनमन को, है ना। अच्छा, एक आदमी मान लो पहाड़ पर बैठा हुआ है और एक आदमी नदी में जो है नाव के साथ जा रहा है, ठीक है। अब एक आदमी उसको देख रहा है, वो आदमी इसको देख रहा है, ठीक है। तो बोलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रिलेशन होगा? एक आदमी देखो ऐसे करके पहाड़ है ना, यहाँ पर बैठा होगा ये आदमी, एक आदमी जो है नौ से यहाँ पर बैठ के इसको देख रहा है, ये आदमी इसको देख रहा, ये आदमी इसको देख रहा, ठीक है। तो बताइए, तो ये आदमी इसको देखने के लिए क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से झुका होगा इतना, और ये आदमी उसको देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे उठाया होगा, तो दोनों क्या होगा? अगर ये 30 डिग्री बनाएगा तो ये 30 डिग्री बनाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होगा इस कंडीशन में। एक ऐसे देख रहा है जितना सर ऊपर उठाएगा उतना इसको नीचे करना पड़ेगा दोनों आपस में, अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, क्या बोलते हैं इसको, एकांतर। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है, इसका मतलब आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, तलहा बताइए, आपका कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है? ट्रायंगल्स और रियल नंबर। ट्रायंगल्स और रियल नंबर, तो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज रियल नंबर, क्या बताइए? रियल नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल, रियल नंबर। अभी पूछे वास्तविक संख्याएं, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या? कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज रियल नंबर, क्या जवाब दीजिएगा? इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को, हाँ ठीक है, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता है। कुछ ऐसा भी नंबर है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो तो इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर को भी तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास, हाँ है, यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बोलिए, आप लोग इसको बताइएगा रियल नंबर क्या होता है?
नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफिनाइट तक जाता है, इनफिनाइट तक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर रियल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। हां, थोड़ा थोड़ा तुम डेफिनेशन ठीक बता रही हो। देखो, रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या जो होती है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सब मिला दीजिए, जितनी संख्या आप दिमाग में सोच सकते हैं वो सब रियल नंबर। और रियल नंबर का एक और आप हायर क्लास में डेफिनेशन पढ़िएगा, एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आता हो, वो सारा नंबर रियल है। बोलिए तो, जो संख्या आप सोच सकते हैं, -2, -5, √5, 1/2, -1/2, 3/2, फ्रैक्शन, नॉट फ्रैक्शन, डेसिमल में कट रहा हो ना कट रहा हो, सब रियल है। जिसका भी स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है? पॉजिटिव। वो सब क्या कहलाएगा? आपके मन में ये चला कि सर कोई ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव नहीं आएगा? कोई संख्या नहीं ऐसा? हाँ, उसका नाम है अवास्तविक संख्या, बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ख्याली संख्या, जो कि सोच में है वो संख्या। बताइए, एक ऐसी भी संख्या है जो स्क्वायर करने के बाद निगेटिव आता है? रुक जाइए, पीछे से कोई आगे से अभी कोई बताइए, कोई ऐसा भी संख्या है? तो आपने कहा कि सर जिसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, तो ऐसा भी कोई संख्या है क्या जिसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव आए? बोलो ना। नहीं, आपके में नहीं। पीछे से कोई बताइए, तो आप रुक जाइए, पीछे से बताइए, आप दोनों रुक जाइएगा, आप बताइए, आप दोनों। चलो, कोई भी बताओ। रूट के अंदर, हाँ, वेरी गुड। जो भी नंबर्स रूट के अंदर लिखा है निगेटिव में लिखा है, बस एक लौता यही वो संख्या है जिसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, इसके अलावा कोई संख्या नहीं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आप हायर क्लास में 11th 12th में जाके आगे पढ़िए, जहाँ पर आप रुक जाते थे, बोलते थे वास्तविक मूल संभव नहीं है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाता था, है ना, डिस्क्रिमिनेंट डी का मान निगेटिव आता था, जीरो से छोटा, तो आप क्या बोलते थे? वास्तविक मूल संभव नहीं है। तो वास्तविक संभव नहीं है, बट इमेजिनरी रूट्स आर पॉसिबल, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल बट इमेजिनरी आर पॉसिबल। तो यहीं से स्टार्ट होगा आपका क्लास 11th 12th में, जब आप पढ़िएगा इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, यहाँ से सीखेंगे अपने काम। चलिए, अच्छी बात है। दूसरा सेक्शन क्या बताया आपने? हाँ, रियल नंबर। तो रियल नंबर में अगर हम आपसे पूछें, रियल नंबर में सेक्शन पर आपने एलसीएम ऐसी है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दो नंबर का अगर हम आपसे पूछें एलसीएम निकालना है तो क्या मतलब समझते हैं उसका? दोनों का जो कॉमन रहेगा और उसका उसको हटा के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जैसे हम पूछेंगे 4 और 0 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 0 का एलसीएम 0 होगा। आप लोग बताइए 4 0 का एलसीएम क्या होगा? 0। देखो, अगर हम आपसे पूछें 4 और 0 का, पीछे से कोई बताना चाहेंगे 4 और 0 का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? अनडिफाइंड होगा। क्यों? 0 ही हो सकता है, 0 × 4 0 × 4 0 होगा। अच्छा, एलसीएम होता है क्या? अगर हम आपको पूछे 4 और 4 का एलसीएम बताइए तो क्या बनेगा? एलसीएम को डिफाइन करें। हाँ, बोल। दो संख्याओं का वैसा समूह जिसमें जो मतलब जो आने वाली संख्या को भाग करता है, विभाजित करता है। हाँ। जो मेरे पास संख्या आए ना, हाँ, उसको विभाजित करता है, दोनों संख्या जो दिया गया संख्या है उसको, हाँ, वो दोनों जो आने वाले में से जो संख्या आएगा उसको विभाजित करता है, तो वो उसका एलसीएम होता है। अच्छा, देखो, द एलसीएम ऑफ 2 or more नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर्स का एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या होता है, वह वो लीस्ट नंबर होता है, वह लीस्ट नंबर जो डिविजिबल बाय ऑल नंबर, 2 से 4 से लेकर डिविजिबल हो जाए। हम पूछेंगे 2 और 4 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है? आप बोलिएगा 4, हालांकि उससे बड़ा नंबर भी है, 8 है 12 है 16 है, लेकिन ये सब एलसीएम नहीं कहलाएगा, वो सबसे छोटा नंबर। आपके मन में सर 2 भी तो कट जाएगा 2 से, लेकिन 2 तो 4 से नहीं कट रहा, यानी कि ये वो नंबर होता है जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो उसको बोलते हैं, हाँ, सबसे छोटा होना चाहिए, लीस्ट नंबर होना चाहिए, है ना, तो कहने का मतलब इसी को बोलते हैं एलसीएम। अब बताइए तो 4 और 0 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 0 का एलसीएम 4, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसका जवाब होगा 4, तो 4 तो 4 से कट जाएगा,
जीरो से कटेगा चार, अनडिफाइंड हो गया, यानी कि चार और जीरो का एलसीएम नहीं होगा, अनडिफाइंड। क्या होगा ये? अनडिफाइंड होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरा सेक्शन आपने क्या बताया था? अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है पहले एक बताइए, लास्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है आपका वो नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और कुछ उस नंबर से डिवाइड हो। और पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। 2, 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? 1 क्यों नहीं है प्राइम नंबर? नहीं पता मुझे। 1 1 1। चलिए एक एग्जांपल डेफिनेशन तो ठीक बताया, आप मेरे से कोई बताइए 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों नहीं? आप बताइए। सर क्योंकि सिर्फ वो खुद से ही मतलब डिवाइड हो सकता है और तो फिर कोई नहीं। और कुछ किसी से नहीं। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन है क्या? वन और इटसेल्फ खुद से। वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ। देखो प्राइम नंबर, हाँ बोलो तो क्या बोलना चाह रहे? सर एक और डेफिनेशन होता है कि वैसा संख्या जिसका भाज्य गुणनफल दो मतलब दो से ज्यादा से ज्यादा विभाज करता हो, एक तो सिर्फ अकेला ही है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 90% सही कहा इन्होंने। और कोई बताना चाहेंगे पीछे से कोई बनाना चाहेंगे? हाँ बोलो। अच्छा हाँ जिसको जो है सर सिर्फ दो संख्या ही कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ यानी कि वैसी संख्या जिसका ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर ना हो, जैसे आपसे पूछा जाएगा तो 3 क्या प्राइम नंबर है तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 प्राइम है क्या? नहीं, 2 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 फैक्टर आ गया। तो उसी तरह से अगर कोई पूछे 2 है प्राइम नंबर क्या, तो यस 2 इज प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, ये इत्तेफाक है, इसके पास इवन भी है और प्राइम भी है, है ना। अगर आपसे पूछे कोई बोलो 1 प्राइम नंबर है क्या, 1 के पास 2 फैक्टर है ही नहीं, एक ही फैक्टर, 1 बेचारा अकेला, इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, तो इसीलिए 1 नहीं होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा? स्टार्ट कहाँ से? 2 से। 2 के बाद कौन सा होगा? 3 5 7, इसके बाद बोलो 9 होगा क्या? चलिए वेरी गुड। दूसरा सेक्शन बताइए, क्या बताया था? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स तो आपको एरिया वगैरह 10th में ट्रायंगल का नहीं पढ़ना, ये 9th में आपको पढ़ना ट्रायंगल, यहाँ पर आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर आपका थेल्स थ्योरम से, जो पढ़ा होगा आपने थेल्स का परिमेय, है ना, थेल्स परिमेय, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है? जो किसी भी ट्रायंगल में उसके एक साइड का पैरेलल होगा तो वही वही डिवाइड करेगा, रेशियो में डिवाइड करेगा, प्रोपोर्शन सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगी? एल स्क्वायर बराबर होता है आपके बेस और परपेंडिकुलर, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर। ठीक ठीक। अच्छा बताइए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है ठीक है, और उसके एरिया का रेशियो दिया है आपको, तो उसके साइड का रेशियो कैसे निकलेगा? एरिया का रेशियो दिया, साइड का रेशियो कैसे निकलेगा? दो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल जिसमें एरिया का रेशियो आपको पता है, तो साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे? क्या कोई फॉर्मूला है? क्या कोई फॉर्मूला है? दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आपने पढ़ा होगा जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसके एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना, स्क्वायर के बराबर। पढ़े थ्योरम पढ़ लीजिए आपका 10th में है आपका थ्योरम। चलिए कोई बात नहीं है, डिस कर दिया आप, कोई बात नहीं। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम में जो h होता है वो क्या होता है? h व्हाट इज h? हाइपोटेन्यूज को डिफाइन करने कहा जाता है? लॉन्गेस्ट साइड रहेगा आपके और जो 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट रहेगा। हां वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट साइड भी बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज, या 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड को। चलिए ठीक है ठीक है, आप लोग सच में टॉपर के हवालदार हैं, आप तीनों जा सकते हैं। आपको करेंगे मैसेज। आगे आइए, आगे आ जाइए आप लोग। हमारे पास बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपसे हम पूछताछ करेंगे, अच्छे से बैठ जाइएगा। और अच्छा
चलिए सबसे पहले ये बताइए कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा एग्जाम? सारा बना दिया आपने? सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का दिया आपका? उर्दू का। हमारा जी मतलब उर्दू सबसे अच्छा उर्दू ही जा रहा है। कोई मैथ नहीं बता रहा आपका कौन सा गया? मैथ और साइंस सबसे अच्छा गया। मंदसा बताओ साइंस आपका सबसे अच्छा गया। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, यानी कि मैथ और साइंस भी अच्छा गया है लेकिन सबसे बेहतर आपका उर्दू का एग्जाम गया। जैसा कि अभी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है तो उर्दू ने कितना नंबर आने का चांस? 90+। हमारा जी चलो तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा सेक्शन ऐसा है जो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ट्रिग्नोमेट्री और लीनियर इक्वेशन और स्टैटिक्स। अच्छा स्टैटिक्स भी और लीनियर इक्वेशन क्या होता है बोलिए? लीनियर इक्वेशन उसमें दो क्या कहते हैं दो इक्वेशन रहता है उसको पढ़ना रहता है। आपको पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना जी? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको पढ़ना था। तो ये बताइए लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको? हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। बोलिए व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, कैसे पहचानिएगा कोई इक्वेशन लीनियर है? उसमें दो इक्वेशन रहता है एक्स और वाई, उसको समीकरण में तो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई का मान जीरो हो तो लीनियर। ऐसा? हाँ जी आप बोलिए। रैखिक समीकरण। हाँ रैखिक समीकरण। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चार पर पावर कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए। चेयर पर पावर कितना? वन। क्या जी मंदसा सही है? हाँ ऐसा इक्वेशन हो चेयर पर पावर होना चाहिए वन, ऐसा ना? और इसी में हम पैसे लगा के कोई लीनियर होगा ये निर्धारित हो जाए, है ना? लीनियर होने के लिए जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? वन। यानी कि आप कह सकते हैं डिग्री वन होना चाहिए, ईच टर्म का डिग्री वन होना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, कितना मेथड याद है आपको? पांच। तो चैप्टर नाम क्या है? टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो चैप्टर नाम हो गया तुलनात्मक विधि, वर्गमूलन विधि, विलोपन विधि और अनुपात निर्णय विधि और एक वो ग्राफीय विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया वर्गमूलन। अच्छा दो इक्वेशन अगर हम कह रहे हैं कि हल हो रहा है, क्या कंडीशन है? दो इक्वेशन हल हो रहा है तो दो समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, क्या कंडीशन बनता है? एक हल हो रहा है तो a1 बराबर b1 और not equal to c1 by c2। a1 बराबर b1, a1 by a2, a1 बटे b2, a2 हाँ equal to b1 by b2 हाँ not equal to c1 by c2। ऐसा होगा तो क्या होगा? एक और केवल एक हल, यानी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या एक और केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा? हम ये जानना चाह रहे हैं। चलो बताओ a1 by a2 is not equals to b1 by b2 यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होना चाहिए, क्या जी? है ना सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बताओ जल्दी बोलो, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन? रैखिक समीकरण कैसा होता है? जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु पे टच करे, नहीं होता है। जो रैखिक समीकरण होता है
कतरा होता है कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन ही होता है। यस हां, एक ही बिंदु पे जो मतलब कट करता है। दूसरा क्या बताया, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री चलिए, ट्रिगोनोमेट्री बोलिए तो d / h किसके बराबर होता है? क्या d / h sin root 3 / 2 कितना किसका मान होता है? sin 60 डिग्री का और cos 30 डिग्री का। इसका साइन 60 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का। कॉस 30 डिग्री का। वन किसका किसका मान होता है? वन टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का। बस चलो, अनडिफाइंड बोलो किसका किसका मान होता है। टेन 90 डिग्री का, कॉट 0 और कॉस एक 90 नहीं, cos 0 डिग्री और sec 90 डिग्री। sec 90 जी। चलिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? 1। sin 90 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा। sin 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा का मान हुआ cos थीटा। cos माइनस cos थीटा, क्या cos थीटा क्या बोल रहे हैं? cos थीटा। cos थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बोलो? दो एंगल का जोड़ होता है। क्या दो एंगल का जोड़? 90 डिग्री। एक डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? क्या एक डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री, एक डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 89 डिग्री। आप लोग रुक जाइए, इधर से छूटेगा तब हम पूछेंगे आपसे, आप लोग पूरा सर्वे करेंगे, ठीक है? चलिए, आइडेंटिटीज बताइए तो कितना होता है त्रिकोणमिति में आइडेंटिटीज, इसका जब 1 1 1 होता है। एक साइन इंटू कॉसेक 1 और क्या कहते हैं, साइन इंटू कॉसेक 2, साइन इंटू कॉसेक 1 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और सेक टू सेक इंटू कॉस थीटा 1 होता है, और एक कौन सा है, और भी होता है, अगर पूछे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। यस सर। चलिए आप बताइए कौन सा सेक्शन ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रांग है, इससे अगर सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब दीजिएगा। लीनियर इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से ही? अच्छा, लीनियर इक्वेशन में वो कंडीशन बताइए जो हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, जिनका कोई हल नहीं है। a1 by a2 बराबर b1 by b2 is not equals to c1 by c2। अच्छा, अगर मान लो दो इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, ग्राफ कैसा होगा? क्या दो इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है, ग्राफ कैसा होगा? कट करेगा एक पॉइंट, कट करेगा। आप बताइए दो लाइन अगर मैंने कहा कि दो इक्वेशन अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ग्राफ कैसा होगा? वेरी गुड, ओवरलैपिंग होगा। जो सॉल्यूशन पहले का वही सॉल्यूशन दूसरे का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो पहले का जो सॉल्यूशन वही दूसरे का सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग होगा, उसको बोलते हैं समपाती होना, है ना, एक दूसरे पर चढ़ जाना। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में विरोधी बोलते हैं, मतलब विरोध करता है, जैसे रेलवे का ट्रैक कभी नहीं मिलेगा आपस में, बढ़ाते जाएगा बढ़ता जाएगा, दोनों एकदम डिस्टेंस बना करके 5 मीटर का 3 मीटर का जो भी। चलिए वेरी गुड। चलो ट्रिग्नोमेट्री में बताओ रूट 3/2 किसका किसका मान होता है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। किसका मान होता है? 0 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1 होता है। मैंने 0 पूछा था कि 1 पूछा था? 0 पूछा था। टेन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? टेन थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो
tan theta को cos theta से गुणा करेंगे tan theta को cos theta से गुणा करेंगे tan y cos theta से cot होता है गुणा करेंगे डिवाइड गुणा करेंगे बोलो tan theta को cos theta से गुणा करेंगे sin theta हां sin theta हां इतना कर चलो tan theta बराबर कितना होगा बोलो p / b में बताओ p / b d / b tan theta का मान d / b cot theta cot का b / b sec theta बोलो sec theta का मान h by sec theta h by b h by p p sec theta sec theta h by b h by b चलिए वेरी गुड पाठ का क्वेश्चन क्या है हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर और प्लस बेस के हाइपोटेनस क्या होता है हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस कहलाता है सबसे बड़ा साइड इसमें हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन बोली तो एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में क्या होता है उन्नयन का उन्नयन कोण उन्नयन कोण नीचे और नीचे से जब ऊपर देखते हैं क्षैतिज रेखा बनता है ना तो उसको उन्नयन कोण बोलते हैं ठीक ठीक वेरी गुड चलिए आप बताइए ईशान नाम है आपका ईशा कुमारी आप बताइए कौन सा सेक्शन आपका है मजबूत स्ट्रांग जो आपको लगता है एपी ट्रिग्नोमेट्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री अच्छा एपी क्या होता है एपी जब दो अंगों के बीच का अंतर समान होता है ना तो अच्छा बोलेंगे नंबरों का एक ऐसा समूह जिसमें कि दो नंबर के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर लगातार नंबर है ना दो को लगातार आगे बढ़ो तो उसको बोलते हैं एपी एपी में जो जो कॉमन होता है दोनों के बीच का डिफरेंस उसको क्या बोलते हैं डी बोलते हैं डी डी का नाम क्या है डिटेल में डिफरेंस डिफरेंस उसका एक नाम है कॉमन डिफरेंस सर्वांतर पदांतर क्या बोलते हैं सर्वांतर सर्वांतर कहते हैं ना उसको रिप्रेजेंट कर देंगे से तो कोई फार्मूला भी होता है क्या डी का फार्मूला हां होता है ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन ले लो पी एन का फार्मूला बोलिए क्या ए एन का एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन का फार्मूला बोलो एन बाय टू बड़ी ब्रैकेट टू ए प्लस एल एन माइनस वन इंटू डी डी नहीं होगा ये और एल भी होता है एल लगाइए फिर से बोलो एन बाय टू बड़ी ब्रैकेट टू ए प्लस एल नो टू ए प्लस एल नहीं होगा ए प्लस एल हाँ सॉरी अगर टू लगा रहे तो फिर उधर जाएगा है ना एन माइनस वन इंटू डी वेरी गुड ठीक दूसरा सेक्शन कौन सा बताया आपने ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 वाला और कितना मान होता है और होता है 10 इनटू कॉट बराबर 1 साइन इनटू कॉस sec बराबर 1 और साइन कॉस इनटू sec बराबर 1 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 और cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बराबर 1 cos sec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 हां वेरी गुड वेरी गुड tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर sin बटा cos रूट 3 बटा 2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री और और cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री आप बताइए तो कौन सा सेक्शन आपको लगता है कि मेरा मजबूत है अगर हम पूछे वहाँ से तो आप जवाब दीजिएगा सर ट्रायंगल एंड ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चलिए ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले बताइए हाइपोटेनस क्या होगा सर ट्रिगोनोमेट्री हाइपोटेनस सर 90 डिग्री के सामने का जो एंगल 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस क्या बोलते हैं हाइपोटेनस रिलेशन क्या है हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में और बेस में h इज इक्वल s h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अच्छा इसका कुछ स्पेशल नाम है ये ये पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम वेरी गुड चलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा p बाय h हां ठीक है 1/√2 किसका मान होता है 1/√2 cos इज इक्वल टू cos एंड sin का cos किसका कितना 45 45 और sin 45 45 वेरी गुड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मान क्या होगा साइन 90 cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्नयन कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी किसको बोलते हैं जो मतलब दो पूरक कोण 90 डिग्री जिसका सम 90 डिग्री होता है हां वैसा एंगल जिसका सम कितना हो 90 डिग्री चलिए ठीक है दूसरा सेक्शन क्या बताया आपने
ट्राइंगल एंड थेल्स थ्योरम है जब किसी ट्राइंगल के किसी भी रेखा के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को सामान्य अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा ये बताइए ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालना सीखा होगा आपने, टेंथ में भी होगा हल्का सा, नाइन्थ में ज़्यादा पड़ा होगा, एरिया निकालने का कितना फॉर्मूला है? दो है सर, मैं तो दो पढ़ा है। वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट एंड एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस। क्या नाम है उस फॉर्मूला का? यस यस है ना, एस का फॉर्मूला, एस क्या होता है, एस एस नंबर ऑफ सर इक्वल होता है सर। एस बताइए पीछे से बताइए तो इओन्स के फार्मूला में व्हाट इज एस? व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय अर्ध परिमाप। हां ये सही जवाब आया कि अर्ध परिमिति इसको बोलते हैं, कि अर्ध परिमाप नहीं कह सकते जो पूछा गया वो सीमित पेरिमीटर से ट्रायंगल के तीनों साइड को जोड़ेंगे तो उसे भाग लगाया आधा हो गया सीमित पेरिमीटर। वेरी गुड, चलिए ठीक है आप तो जा सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है प्राइस वाले दिन में शामिल करना, मैसेज तो जाएगा ही आपके पास, आप लोगों को मौजूद रहना ही रहना, ठीक है आप जाइए। चलिए मेरे पास आइए, अभी पहले मेरे पास ईशा तो मंत्रशा हो गया, आनंद कुमार, आनंद कुमार कौन है आप आइए या यहाँ बैठिए, यहाँ इसी इस बेंच पे बैठिए। हाँ आनंद कुमार के बाद आइए विवेक कुमार, विवेक कौन है आप बैठते हैं यहाँ। बुद्ध कुमार तो नहीं आए, आ जाओ अभी आ जाओ। असद अली ये तो गुड्डू आ गया, गुड्डू आ गया। चलिए कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम चलिए बताइए, एग्जाम अच्छा गया, मन लगा एग्जाम देने में, मजा आया। सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा सब्जेक्ट का गया आपका? मैथ और हिंदी पूरा बना दिया मैथ में। विवेक सब्जेक्ट खाली करो बंद कर दो, अलग अलग संस्कृत संस्कृत का छोड़ के सब अच्छा गया। हाँ अच्छा आपका कौन सा, आपको बताइए उर्दू हिंदी, उर्दू और हिंदी आ जाए चप्पल कहीं पर आ जाए बैठा दो आगे बैठा दो। आप बताइए आनंद कुमार आपका कौन सा ऐसा सेक्शन है मैथ का जो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग मेरा त्रिकोण द्विघात लगभग सब वैसे लगभग सब अच्छा है आपका है ना, वेरी गुड। तो आप मुझको बताइए आपसे अभी जो अब जब पूछेंगे हम तो लगभग हर सेक्शन से ही सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो आप हर सेक्शन के लिए तैयार रहिए, ठीक है? आप मुझको बताइए रियल नंबर भी आपका अच्छा होगा क्योंकि आप लोग टॉपर लिस्ट में हैं तो रियल नंबर अच्छा होगा। ज़्यादा आपका अच्छा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री और द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले ये बताइए द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात दो होता है, मतलब क्या लगभग आपने ठीक ही कहा था कि जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो टू हो, लेकिन किस पर? वेरिएबल पर। वेरिएबल पर एक ऐसा इक्वेशन जिस पर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना हो टू, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात किसी को रिप्रेजेंट करते हैं विवेचक, उसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं, और कुछ नहीं किसी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं बोलते हैं उसको विवेचक। अच्छा बताइए विवेचक अगर हमारा जीरो आ गया तो कैसा होगा?
और समान रहेगा, रूट्स वास्तविक होगा मूल और समान 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 और समान होगा। वेरी गुड। विवेचक समान अगर जीरो से छोटा आ गया तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात। अच्छा, द्विघात समीकरण में अगर अल्फा बीटा हमको पता है और उसको हम पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, क्या बताइएगा? अल्फा प्लस बीटा तो दोनों जो है यानी माइनस बी बटे ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा सी बाय। अच्छा, अगर हमारे पास रूट्स पता है अल्फा और बीटा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र लगाएंगे, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो लिखेंगे। नहीं, द्विघात समीकरण लिख रहे हैं तो जीरो लिखें। द्विघात समीकरण की बात हो रही ना, अगर पॉलीनोमियल की बात होगी तो जीरो नहीं लिखेंगे। ये भी आया हमारे बारे में जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जोड़ दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए तो अब ये बताइए, दूसरा क्या बोला आपने? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, हाँ त्रिकोणमिति में रेशियो बताइए तो क्या होता है त्रिकोणमिति का रेशियो? त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सर्वसमिकाएं आइडेंटिटीज को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसा स्केटर रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और भी कुछ होता है ये tan theta or cot theta बराबर 1 tan theta into cot theta बराबर 1 अच्छा very good sec theta और ये cot sec और tan theta sorry sec और cos theta बराबर 1 sin theta into एक cos theta। अब बताइए sin 60 का मान कितना होगा? sin 60 का मान होता है ये root 3 बटे 2 tan 45 का मान होगी, tan 45 का मान 1 cot 45 cot 45 का 1 sec 30 sec 30 का ये ये sec 30 sec 30 का 2 बटे रूट 3 2 बाय रूट 3 रूट 3 वेरी गुड। cos 60 अगर आपसे पूछे तो cos 60 1 बटे 2 tan 30 बोलिए tan 30 रूट 1 बटे रूट 3 1 बटे रूट 3 ठीक है। पाइथागोरस इसमें ये होता है एच स्क्वायर प्लस बराबर ए ये बी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर थेल्स पर में जो त्रिभुज के दो भुजा को दो भुजा के सॉरी त्रिभुज के दो भुजा के जो एक ही अनुपात में विभाजित करे वो तीसरे भुजा के समांतर होता है। सर्कल क्या होता है? वृत्त नहीं पता। सर्कल का एरिया याद है? हाँ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर पेरिमीटर क्या होता है सर्कल का? सर्कल का परिधि परिधि 2 पाई आर 2 पाई आर आर होता है। अच्छा पाई क्या होता है? पाए एक अथी मान उसका मान रखाता है उतना कुछ क्षेत्रफल वृत्त से जितना भी रिलेटेड है उसमें सब में उसका उपयोग होता है। ये एक रेशियो है। रेशियो है सर, यही जवाब है। पाई इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। उसका मान जो आता है रेशियो का 3.14 उसी मान को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डायमीटर से। चलिए वेरी गुड। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? अगर आपसे पूछें आयतन क्या होता है? किसका? ये उसके आधार का क्षेत्र पर गुना उसके ऊंचाई का जो होता है। फॉर्मूला बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए अच्छी बात है। बेलन जानते हैं? बेलन। अच्छा फिर से उसका आयतन जो उसमें कितना अथी लगता है?
उसमें कितना सामान उसको बनने में पूरा लगता है, वही होता है आयतन। बेलन का बताइए। बेलन क्या आयतन? बेलन ये बेलन नहीं पता बेलन के बारे में। बेलन असल में सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है। अगर एक ऐसे मान लीजिए एक आयत है, इसको घुमा दो, एक एक्सिस को रोक कर दीजिए, है ना, ऐसे करके घुमा दो, तो ये जो बनेगा क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। बेलन इसको रोके रखेंगे, इसको चार तरफ घुमा देते, एक एक्सिस को आयत पे रोके रखा, दूसरे वाले घुमा दे, इस तरह से जो बनेगा क्या बनेगा, ऐसे करके इसको मोड़। दो तरीका होता है, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन या ऐसे किसी आयत को ऐसे मोड़ दीजिए, यही होता है। और जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही इसका कर्ण सर्फेस क्या हो जाता है, बोलते हैं टोटल सर्फेस, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तीन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा। अच्छा बताइए शंकु का वॉल्यूम क्या होगा? शंकु का एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कितना? गोला चार बटे तीन पाई आर क्यूब। छिन्नक पढ़ा आपने? छिन्नक, हाँ। छिन्नक का आयतन क्या होगा? छिन्नक का आयतन होता है ये एक बटे तीन पाई इन पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर इन प्लस बड़ी पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस पाई छोटी आर स्क्वायर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कैसे बोलिए छिन्नक का आयतन? एक बटे तीन पाई एच इंटू ये बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी ये छोटी आर, है ना, कैपिटल रेडियस इंटू में स्मॉल रेडियस हो जाएगा। अच्छा एल क्या होता है यहाँ पर? एल छिन्नक में एल ये उसका होता है त्रिज्या कुचाई। क्या रिलेशन होता है एल का एच का, कैपिटल आर स्मॉल आर? तो एल स्क्वायर बराबर होता है ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नहीं कैसे बोलिए? एल स्क्वायर शंकु में नहीं कह रहा हूँ, छिन्नक में। छिन्नक में, छिन्नक में एल स्क्वायर बराबर बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। माध्य क्या होता है? माध्य ये सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है, मतलब नंबर ऑफ। हाँ उन्नयन कोण क्या हो? उन्नयन कोण ये उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर, हाँ नीचे से ऊपर देखने का, जितना आदमी हाँ उठा के देखता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या? हिंदी बोलो। प्रायिकता? प्रायिकता, प्रायिकता होता है ये परिणाम की संख्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम की संख्या, कुल अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, ne बटे ns ऐसे लिखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी पूछे किसी घटना की का तो pe बराबर क्या होगा? ne बटे ns, पढ़े है ना? अच्छा डायरेक्ट आपने पढ़ा है, इसका मतलब लैंग्वेज में कोई बात नहीं है। अच्छा किसी घटना की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता, प्रायिकता ये अधिक संभव का होता है एक और असंभव का होता है जीरो। अच्छा क्या किसी घटना की प्रोबेबिलिटी माइनस पाँच हो सकता है? माइनस पाँच नहीं, प्रोबेबिलिटी निगेटिव होगा किसी घटना का, और ये नहीं नहीं होगा। क्या जीरो से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी? जीरो, जीरो से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा, यानी कि वन से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। हाँ चलिए अगर हम आपसे कहें कि एक पासा को फेंक रहे हैं तो छः आने की घटना की प्रोबेबिलिटी क्या हो? छः आने की एक बटे छः। अच्छा एक कांच की गड्ढी में से एक कार्ड को निकाला गया, उसमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? चार बटे बावन यानी एक बटे तेरह। ठीक, अच्छा जवाब दे रहा। अच्छा बताइए कोई दो वेद अगर इंटरसेक्ट कर रहा आपस में कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है? सट रहा है दोनों, ये कंडीशन दो दो। कॉमन टेंजेंट कितना होगा? नहीं होगा दो, हाँ दो होगा, दो होगा। हाँ अच्छा अगर सिर्फ बाहर बाहर टच कर रहा है दोनों तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा? एक। सिर्फ टच कर रहा है तीन, कितना होगा? तीन। सिर्फ टच कर रहा है, हाँ तीन होगा, ऊपर से होगा दोनों। चलिए ठीक जवाब दे रहे हैं, आप अभी मेरे साथ बैठेंगे, अगर कुछ यहाँ से ऑब्जेक्शन हो तो आपसे हम जस्ट पूछेंगे। चलिए आप बताइए तो आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग है? लगभग सारा सेक्शन, यानी कहीं से भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपको। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। व्हाट इज रियल नंबर? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा बताइए क्या परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो जिसे p / q के रूप में लिखा जा सके, या जहाँ p
पी आर क्यू कोई पूर्णांक संख्या हो तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब दस अशांत अनावर्त जो होता है, अशांत अनावर्त दशमलव जो होता है, जितना भी हो सभी अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका दो दो गुणनखंड मतलब दो गुणनखंड या एक स्वयं से भाग लगता हो। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण मतलब वैसा समीकरण जिसका हाईएस्ट मतलब अधिकतर घात एक हो, मतलब सबसे मतलब ज्यादा घात उसका एक हो, अधिकतम पावर वन होना चाहिए चर पे, किसी चर पे मतलब अधिकतम घात एक होना चाहिए, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या कंडीशन बनता है अविरोधी? क्या इक्वेशन बनेगा? तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, कट जाएगा। बहुपद, बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात और ऋणात्मक पद होता हो, मतलब और ऋणात्मक होता हो, उसे बहुपद कहेंगे। मतलब फ्रैक्शन ना, हाँ फ्रैक्शन ना हो, फ्रैक्शन ना हो, पावर में नेगेटिव और ऋणात्मक पूर्णांक हो, इंटीजर हो, हाँ और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुपद का घात किसको बोलते हैं? घात जो उसका मतलब अधिकतम घात हो उसी को मतलब अधिकतम मान, मतलब अधिकतम घात वाले को ही उसका घात बोलते हैं। तो चर राशि पर जो मैक्सिमम पावर होता है उसको घात पावर होता है, उसको बोलते हैं उसका घात। चलिए वेरी गुड। चलिए समीकरण में जीरोस क्या होता है? जीरोस मूल या फिर हल। रूट्स मूल या हल वो होता है मतलब जिसको कि x के जगह पर रखने पर उसका सारा समीकरण मतलब बराबर हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ फॉर्मूला क्या होता है x का? x का फॉर्मूला द्विघात सूत्र बताते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा कैसा होगा? वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मान नहीं होगा, नहीं होगा। रूट्स बराबर कब होता है? जब d इज इक्वल टू जीरो आता है, d का मान जब हो जाए जीरो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एपी मतलब मतलब वैसा संख्याओं का समूह, वैसा संख्याओं का समूह जिसके कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे एपी कहते हैं, समांतर क्रम। एपी का n n टर्म का जोड़ निकालना क्या करेंगे? मतलब उसके लिए सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी ऐसा होता है। Sn का होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, या फिर n by 2 into a plus l, a plus l, और l क्या है यहाँ पर? l tn, tn या last term कैसे? या last term, yes sir। ठीक ठीक। चलिए अगर तीन नंबर ap में है उसको कैसे मानते हैं? तीन नंबर ap में है तो सबसे फर्स्ट को हम अल्फा मानेंगे, एक को अल्फा माइनस बीटा, एक को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे। तीन नंबर एपी में है क्या मानेंगे? तीन नंबर एपी में, तीन नंबर एपी में क्या मानेंगे? पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा हां मतलब बीच को अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा माइनस बीटा होता है। मतलब फर्स्ट टर्म होना चाहिए, मतलब सेकंड उसके हिसाब से कैलकुलेशन में आता है। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा बीटा ही पहले मान लीजिए। हाँ अल्फा होगा। थेल्स प्रमेय मतलब यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को यदि कोई समान अनुपात में बांटता है तो वो जो रेखा होगा तो वो तीसरे रेखा के समांतर होगा। अच्छा, ये थेल्स प्रमेय हो जाएगा मतलब जब किसी त्रिभुज की तीसरी रेखा के मतलब जो समांतर रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को जो है समान अनुपात में बांट रही है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब दो
दो किसी त्रिभुज में मतलब दो दो भुजाओं का योग जो है यदि तीसरी भुजा के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में उसके सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। जोड़ के बराबर। चलिए अच्छा किसी को एक हमारे पास सर्कल है उसके बाहर से टेंजेंट खींचना चाहते हैं कितना टेंजेंट खींच सकते हैं स्पर्श रेखा इनफिनाइट अनंत किसी सर्कल पर एक बाहर के बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है दो 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 यदि हां दो आप बोलिए सर दो होगा सही है। चलिए निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा होगा एक्स और वाई लिखा रहता है एक्स को क्या कहते हैं एक्स को कहते हैं भुज वाई को कोटी रूट अंडर एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन वन का होल स्क्वायर विभाजन सूत्र मतलब हो जाएगा यस सर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन और इसका वाई का हो जाएगा एम एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन होता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसका हो जाएगा वन बाई टू इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू घन मतलब घन घन एक प्रकार का सॉलिड है सर जो कि जिसमें कि हाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होता है और सारा होता है राइट एंगल पर है ना ये yes, सीधा मेरा नहीं होगा तब उसको बोलेंगे घन वरना उसका नाम बदल जाएगा yes, आगे करिएगा। अच्छा सिलेंडर का आयतन क्या होता है बेलन पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 1/3 ये क्यों 1/4 क्यों नहीं क्योंकि सर ये जो बेलन का होता है ना ये बेलन का 1/3 भाग होता है। चलिए गोला का आयतन बताइए कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू और गोला का आयतन और 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा बोलो जी अभी सर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर पूरा बताओ कितना अच्छा बोलो अच्छा टोटल सरफेस एरिया पूछे मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छा ये सही बोला ये सही बोला 3 पाई स्क्वायर छिन्नक छिन्नक सर शंकु का ही भाग होता है जिसमें कि वो बाल्टी के आकार का होता है ऊपर से काट दिया जाता है उसके शीर्ष को बेस के पैडल से उसको काट दिया जाता है नाम हो जाता है छिन्नक। छिन्नक का आयतन क्या होगा पाई एस बाय थ्री इंटू कैपिटल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल इंटू स्मॉल आर। साइन थीटा बराबर पी बाय एच कॉस थीटा बराबर बी बाय एच टेन थीटा बराबर पी बाय बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान बोलिए कितना होगा टेन थीटा होगा। वन किसका फॉर्मूला होता है वन तो वन मतलब डिग्री में बताना है क्या वन वन किस आइडेंटिटीज बताएं आइडेंटिटीज मतलब इसके तीन तीन का होता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तीसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और होता है मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा टेन थीटा इंटू साइन 60 √3/2
साइन 45 का मान बोली। 1/2 1090 का मान बोली। 1090 मतलब 1090 इसका अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। cot 45 बोली। 1 cot 30 का मान बोली। cot 30 √3 √3 cot 30 √3 हां चलिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो कोण मतलब दो कोण का जब योग जो होता है 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। साइन 90 डिग्री माने थीटा का मान कितना होगा? cos थीटा। टेन 90 डिग्री माने थीटा? cot थीटा। sec 90 डिग्री माने थीटा? cosec थीटा। वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। अब बताइए मुझको माध्यिका पढ़ाया आपने। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका किसी भी संख्या समूह का जो होता है वो बीच का पद होता है। वो बीच का पद होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है। यदि सम आता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। यदि मतलब जो संख्या श्रेणी संख्याओं का संख्या होता है मतलब जो संख्या श्रेणी है उसमें संख्याओं की जो संख्या होती है उसमें दो दो चांस बनता है। यदि विषम और सम तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। हाँ यस सर। तो मेरा कहना ये है क्या ये सही बात बोला जी बोलता है क्या होगा माध्यिका जैसे अवरोही और आरोही क्रम में रखने पर जो बीच का मतभेद होता है वही होता है अवरोही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया उसके बाद जो बीच वाला नंबर आएगा तब वो फॉर्मूला n/2 n/2+1 वही चेक करेंगे और नंबर में है पूरा नंबर या इवन नंबर है टोटल कर देते हैं। वेरी गुड। चलिए ठीक है ठीक है। यानी कि आप जान गए माध्यिका का एक फॉर्मूला भी होता है जैसे अगर संजीव बार बार दिया है बार बार क्लास दिया है इंटरवल दिया है तो एक फॉर्मूला होता है मतलब एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बाय एच बाय एच एच या आई एच इंटू आई इंटू एच हाँ अच्छा प्रोबेबिलिटी में बोली तो फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मतलब कौन सा मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना उसका क्या फॉर्मूला है मतलब ऐच्छिक परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। वेरी गुड। वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकता है किसी घटना का 0 से 1 के बीच या फिर 1 के बीच क्या किसी प्रोबेबिलिटी को 1 हो सकता है? हां हो सकता है। यदि संभव परिणाम आता है तो उसका 1 हो जाएगा। कौन सा ऐसा घटना घटेगा एक एग्जांपल बताइए कौन सा ऐसा घटना होगा प्रोबेबिलिटी 1 होगा जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 गेंद है दसों मेरे पास हरा ही गेंद है और हम उसमें से एक हरा गेंद को निकालना चाहेंगे तो उसका पर्याप्तता 1 हो जाएगा। वेरी गुड। या आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं हरा गेंद ना होगी मान लो 10 गेंद ही है और उसमें से मैंने कहा कि 1 गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो जो निकलेगा तो सब गेंद ना होगा। हाँ अब गेंद में से बोलेंगे बोलो उसमें से आम निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो गेंद से तो आम कभी निकलेगा नहीं। जीरो हो जाएगा। यानी कि एक घटना होता है जो असंभव होता है घटना ही उसको बोलते हैं हर हाल में घटित होगा ही होगा। जी सर। ठीक जैसे वो नहीं है उसको बोलते हैं उसका प्रोबेबिलिटी 1 भाई असंभव हो गया आम से बोले कि बहुत सारा आम मेरे पास है बोलो सेब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेब तो कभी नहीं जीरो जीरो हो गया। यस सर। असंभव परिणाम जैसे एक डाइस को मैंने थ्रो किया है ना एक डाइस को मैंने फेंका अब मैंने कहा बताइए 7 आने की क्या घटना असंभव है 6 तक तो 7 से छोटा घटना 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 7 से छोटा 6 1 हो जाएगा कुछ ना कुछ तो आना ही आना है जीरो हो गया तो इसका 1 होगा है ना। चलिए क्षेत्रमिति छोड़ के और माध्यिका का बोलो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस सर किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा वाला भुजा होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। किसी भी त्रिभुज का नहीं समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज वर्ड जरूरी है। साइन 60 का मान बोलिए √3/2 साइन 30 का मान बोलिए 1/2 tan 45 1 cos 90 0 अनडिफाइंड के टेक्स्ट का मान होता है अनडिफाइंड सर tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री cos 60 sec 90 हां बोलिए तो अनडिफाइंड के टेक्स्ट का मान होगा tan 90 cosec 0 sin sec 90 cot 0 और cot 0 cot 0 tan 0 का मान 0 होता है cot 0 1/0 अंडी में आ जाएगा। चलो sin square theta + cos square theta मान कितना
वन कितना एक्स्ट्रा मानता हूं। और सर को ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, sin थीटा * cos थीटा बराबर 1, ने sin थीटा * cos थीटा बराबर 1, और sec थीटा * कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कंप्लीमेंट्री एंगल। sin 90 डिग्री माइनस क्या होगा? sin 90 डिग्री का नहीं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा। अगला सेक्शन क्या बताया आप? AP। AP तो बताओ AP क्या होता है? AP सर संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें सबका सर्वांतर बराबर हो। अच्छा, उसको क्या बोलेंगे? AP सर्वांतर बराबर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर सर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। T1 करेंगे। Tn का फार्मूला Tn a plus n minus 1 into d। का क्या होगा? A plus n minus 1 into d। Sn का फॉर्मूला n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d। n by 2 into a plus n। तीन नंबर AP में कैसे मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। कोई और सेक्शन बताइए, एक और सेक्शन आप बताइए। दो चर वाले रैखिक संख्या, दो चर वाले रैखिक संख्या। कंडीशन बताइए जब एक और केवल एक हो। जब a1 by a2 not equal to b1 by b2। a1 बटे a2 not equal to b1 by b2 equal to b1 बटे b2 हो जाए। अच्छा, अगर मान लो दो हमारे पास रैखिक इक्वेशन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, और वो है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ है, तो ग्राफ कैसा होगा? संपाति, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगा। अगर मान लो विरोधी है, कैसा होगा ग्राफ? विरोधी तो सर उसका ये समानांतर हो जाएगा। विरोधी का कंडीशन बताइए। a1 by a2 not a1 by a2 बराबर b1 by b2 not equal to c1 by c2। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 2x plus में 3y बराबर 7, तो हल कितना होगा इसका? 2x plus 3y बराबर 7, 7 दो हल होगा। दो हल होगा, जैसा कितना होगा? 2x plus एक ही होगा सर, 2x plus 3y बराबर 7 लिखा हुआ, कितना होगा? हल की संख्या बताइए सर। दो हल होगा, हल ही नहीं होगा जब तक दो समीकरण नहीं होगा। दो समीकरण नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जहाँ होगा तो सर दोनों का एक एक होगा हल, x और x का एक हल, y का एक हल, ऐसा। सर यहाँ पे आपने एक समीकरण दिया है, एक समीकरण और रहता तभी तो हम उसका ग्राफ खींच के या फिर इसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यस सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हां, कह रहे हैं सिंगल इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन का है सर, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट x और y का बहुत सारा मान है, हां जो भी रखना है जो जो संतुष्ट करेगा वो सब उसका हल होगा। अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन देखो x + y = 5, x और y का जो जो मान जोड़ के 5 आएगा वो सब इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो 1 4 2 2 नहीं हो सकता है, क्या लिखा मैंने? 4 लिखा, 2 3 5 लिखा, 5 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 0 हो सकता है, 0 5 हो सकता है, -1 +6 हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर एक एक सिंगल का अगर दो कह देंगे तो फिर कंडीशन चेक करना -3 क्या होगा? चलिए भाई बोल रहे हैं, ठीक है। चलो सर बताओ तो सर एपी और एपी एपी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और भाई और फिर सर इससे पूछ लीजिए सर ग्राफ से। ग्राफ से अच्छा बताइए द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल लिखा होता है द्विघात समीकरण का ग्राफ, सरल लिखा होगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन सर सही है क्या? द्विघात समीकरण का ग्राफ आप बताओ। ग्राफ ऑफ पार्टिशन होगा इससे पता लगाते हैं कि द्विघात समीकरण समान है और असमान है या फिर बराबर है। द्विघात समीकरण का मूल मूल है ना, समान है कि असमान है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, दोनों बराबर है कि क्या है ये हम लोग पता करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाय होगा। इसमें भी माइनस बी बाय होगा। अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, इसका जोड़ कितना होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू गुणनफल का जोर सी बाय हाँ सी बाय सी बाय
माइनस डी बाय होगा, सॉरी सर। अगर क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या होगा? सी बाई क्योंकि क्वेश्चन है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो है, तो मैंने पूछा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाई अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनो गुना कर देंगे तो कौन बताएगा? तो माइनस डी बाई, माइनस डी बाई। अगला सेकंड क्या बताया आपने? एपी। एपी हाँ, एपी क्या होता है? एपी होता है मतलब एक सीढ़ी में जब सबका मान समान होता है, अंतर समान होता है, तो एपी में कहलाता है। कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। अगला नंबर उससे जैसे जैसे जितना बड़ा है उसके बाद अगला नंबर उससे उतना ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलेगा। एपी में कॉमन डिफरेंस निकालने कोई फार्मूला होता है क्या? कॉमन डिफरेंस तो टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। एस जी एन का फार्मूला बोलिए तो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन का फार्मूला बोलिए तो एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल एल। हाँ, एक और फार्मूला होता है इसका एन बाई टू इंटू टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू डी। साइन 60 का मान होगी, साइन 60 का मान रूट थ्री बाई टू, कॉस 30 का मान होगी टू रूट थ्री बाई टू, टेन 60 का मान टेन 60 वन बाय रूट थ्री, वन बाय सिर्फ रूट थ्री, हाँ रूट थ्री। 10/45 होगी, वन 10/45 वन, कॉट 45 वन, कॉट 90 का मान cot 90 का मान इनफिनिटी cot 90 जीरो होता है, जीरो। साइन 90 डिग्री माइनस का क्या होगा? साइन साइन 90 डिग्री माइनस का क्या होगा? cos थीटा, cos थीटा। फर्स्ट टर्म का छिन्नक का आयतन मुझे तो क्या होगा? छिन्नक का आयतन पाई h इनटू r स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r1 r2 के बराबर है। हां, 1/3 वन बाई थ्री, तो अच्छा 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू। आर गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। अच्छा ये बताइए कि दो वृत्त अगर एक दूसरे को एक दूसरे के अंदर है, सकेंद्रीय वृत्त है, तो बताइए तो उसका उस पर कितना टेंजेंट किया जा सकता है? सकेंद्रीय, हाँ एक ही केंद्र है दोनों का, तो उस पर तो एक भी नहीं कर सकते, टेंजेंट एक भी नहीं खींच सकते। दो वृत्त अंदर इंटरनली एक दूसरे को, हाँ तो एक एक टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट खींच सकते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आप लोग जो है बिल्कुल टॉपर के काबिल हैं और टॉपर जिसमें आप लोग का नाम भी है ना, और कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है कौन थर्ड है आपको कुछ दिन के बाद पता चल ही जाएगा। इसी में से कोई ना कोई फर्स्ट होंगे, कोई सेकंड होंगे, कोई थर्ड पर होंगे, तो आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं जी। नेक्स्ट अगर लास्ट सवाल आप लोग से पूछ रहे हैं बताइए, हम आपसे पूछें केंद्रक का हमको निकालना है सब्जेक्ट सबसे अच्छा गया सब सब्जेक्ट सारा
अपने नाम के सामने। चलिए अभी मेरे पास इतने बच्चे आए हैं तो सब जेन्यून हैं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हुआ है जो प्लस टू वाला बैठ गया हो या ग्रेजुएशन वाला बैठ गया हो। चलिए हल्का सा आप लोग के भी सवाल जवाब कर लेते हैं। ये तो मेरे ही पास आएगा, इस वाले दिन काम आएगा। दानिश तेरा सा पढ़ता पढ़ता है तो खराब, ये तो फिर आप लोग का चेहरा चलते ही बसू माइक अपने पास लगा भी सकते हैं, कलर लगाई तो माइक आवाज एकदम साफ आएगी। हाँ लगा दीजिए। दानिश सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्शन है मैथ का जो आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है, जिससे अगर आप पूछेंगे तो आप एकदम जवाब दीजिए। हाँ, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले ये बताइए कि जो लिखा रहता है ए तीन चार, तो तीन और चार क्या है? ए तीन चार, हाँ एक्स वाई का मान। वेरी गुड, एक्स और वाई का मान। इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, जैसे लिखा हुआ ए थ्री फोर, ए को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। वेरी गुड, अभी एस चार को कोटी। वेरी गुड, चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला हुई तो क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर अंडर रूट। हाँ पहले बोलेंगे स्क्वायर, पहले स्क्वायर। चलिए ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र m1 x2 plus m1 y, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 और m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। वेरी गुड, चलो अगर बोलो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है और उसमें तीनों साइड का आपको वर्टेक्स दिया गया, शीर्ष पता है? सर ट्रायंगल चैप्टर हमने पढ़े हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ रहे हैं। okay. उसका हमको केंद्र निकालना है, केंद्र का क्या फॉर्मूला होगा? केंद्र का x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 by 3 by 3। वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलिए। ट्रायंगल क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, हां 1 बाय 1 बाय 2 इनटू x1 x1 इनटू y y y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x x3 इनटू y y1 माइनस y2 y2। वेरी गुड, अच्छा मान लो किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला एरिया माइनस पाँच कभी नहीं आ सकता, नहीं होता है। अच्छा इसमें जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस में आ जाता है, क्या करते हैं? मॉड लगा देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ठीक कहा है, अगर एरिया निगेटिव आ भी जाता है तो जवाब कैसे देंगे हम लोग? पॉजिटिव में ही देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का निरपेक्ष मान देते हैं, मॉड लगा देते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ठीक अच्छी बात। चलिए अगला चैप्टर क्या बताया आपने? ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होता है? नब्बे डिग्री समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के वाला सामने वाला जो रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है सबसे बड़ा। हाइपोटेनियस में और परपेंडिकुलर में और बेस में रिलेशन होता है, क्या होता है? h स्क्वायर = p स्क्वायर + b स्क्वायर। इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका? कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन ने ये दिया था थ्योरम, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा सर, है ना, पाइथागोरस का। चलिए वेरी गुड, अब बताइए ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर कितना होगा? P/H B/H। कॉस थीटा बराबर B/H B/H। टेन थीटा बोलिए तो P/B। टेन 90 डिग्री का मान बोलिए। टेन 90 डिग्री इनफाइनाइट अनडिफाइंड, इनफाइनाइट भी चलेगा लेकिन अनडिफाइंड बोलेंगे, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, साइन ऐसा लगाते तो लगता है इनफाइनाइट है। चलो अगर हम आपसे पूछें साइन 60 डिग्री का मान रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। कॉस 60 का मान बोलिए, cos 60 डिग्री का मान 1 बाई टू। टेन 30 का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना बोला? 1 बाई टू। वेरी गुड, चलो cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री रूट थ्री बाई टू। टेन 30 बोलो, रूट 1 बाई रूट थ्री। टेन 0 का मान बोलिए, टेन 0 का 1। साइन 0 का मान बोलिए, सॉरी टेन 0 बोलो फिर से। टेन 0 का सर साइन 0 बटे cos 0, साइन जीरो का मान कितना होता है बोलो? साइन जीरो का मान जीरो।
कितना होगा? इनफिनिट। आप बोलिए जीरो सर। एन जीरो का मान कितना होगा? जीरो जीरो होगा ना, एन जीरो बटे पॉजिटिव, बट एन जीरो साइन जीरो का मान जीरो हो गया। हाँ। पॉजिटिव का मान वन, तो जीरो बटे वन का मान कितना होगा? जीरो। जीरो तो बोले थे सर, बोला था आपने, जीरो बोला था, बिल्कुल सही है। अब बताइए टेन सिक्सटी का मान कितना होगा? टेन रूट थ्री। कॉट सिक्सटी का मान बोलिए। कॉट सिक्सटी का मान वन बाय रूट थ्री। वन बाय रूट थ्री। रूट थ्री। सेक थर्टी का मान बोलिए। सेक थर्टी का मान टू बाय रूट थ्री। टू बाय रूट थ्री। वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा आपने, हिंदी बोलिए। हाँ। क्या होता है? साइन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक सेक नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा कॉसिक थीटा, कॉसिक नाइन्टी डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। चलो अगर आपसे पूछे हम एक हाइट एंड डिस्टेंस का आता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का यूज पढ़ाया जाता है, कहाँ पर यूज है? यस, तो उसमें होता है उन्नयन कोण। हाँ, क्या होता है उन्नयन कोण? जब हम नीचे से ऊपर कोई चीज़ देख रहे हैं जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण क्या होगा? ऊपर से जब नीचे देखते हैं जब कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। कोई और सेक्शन बताइए एक तो जो आपका मजबूत हो इसके अलावा। सर एपी से पूछ सकते हैं और पांच चैप्टर शुरू का किसी से भी पूछ सकते हैं। टीएन का मान बताइए तो कितना होगा एपी में? टीएन या एन या टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन का फार्मूला बोलिए एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। वास्तविक संख्या बताइए क्या होता है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या का जो समूह रहता है उसी को वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जो क्या बोल देंगे वास्तविक वास्तविक संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य जिसका जो जिस जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल बताइए। टू हो गया सर, थ्री फाइव सेवन नाइन। क्यों नहीं होगा वन सर? वन ना है ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि वन सिर्फ अपने आप से तो कट रहा है लेकिन ना किसी से कट रहा है वो, एक सिर्फ एक ही गुणनखंड सर उसका। हाँ, बोलेंगे ऐसा। हाँ। संख्या जिसका केवल दो फैक्टर। हाँ, तो उसको अभाज्य बोलते हैं लेकिन उसका। हाँ, एक है तो खुद वो और एक वन, तो वन में तो एक ही फैक्टर। हाँ। अपना ही दो सब कहेंगे। चलो वेरी गुड। चलिए आप बताइए तो कौन सा सेक्शन आपका मतलब ट्रिगोनोमेट्री और एपी। एपी तो पहले बताइए एपी क्या होता है? एपी सर वैसा संख्या का समूह जिसका जिसके बीच का अंतर एक समान हो। एक समान अंतर होना चाहिए। जब एपी के वो जो एक समान अंतर होता है तो क्या नाम है? एक समान अंतर ए प्लस ई ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस उसका नाम बताओ। उसका नाम क्या है? नाम पहले माइक लगा दो अच्छे से। इसे दबाओ लगा उसको। हाँ आपके सामने ऐसे दबाओ। हाँ चलो आप बोलो उसका नाम क्या है? नाम सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस पदांतर भी बोलते हैं बहुत सारे। सर्वांतर डी से डी से लिखते हैं। चलो एसएन का फार्मूला बोलो। एसएन का फार्मूला एन वाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। टीएन का फार्मूला बोल दीजिए। टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस ई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा सेक्शन बोलिए क्या बताया आपने? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बताओ हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। इसका त्रिभुज का। हाँ बोलेंगे अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण और फिर नाम नहीं पता सर। लंब आधार दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। बोलो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एक स्पेशल नाम है कौन सी? पाइथागोरस। पाइथागोरस स्क्वायर में आया भी होगा आपके नाम है ना पाइथागोरस। चलिए वेरी गुड। अब बताइए त्रिकोणमितीय का रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा पी वाई एच ओ ई कॉस थीटा बराबर बी वाई एच टेन थीटा बराबर पी वाई बी साइन सिक्सटी का मान बोलिए। साइन सिक्स रूट थ्री बाई टू थ्री बाई टू टेन फोर्टी फाइव का मान बोलिए। टेन फोर्टी फाइव वन
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होगी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होगी। एक कॉस थीटा। कॉस थीटा। वेरी गुड। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण वैसा कौन जो सर हम नीचे से जो देखते हैं ऊपर तो कौन बनता है ना वो उन्नयन कोण। कोई और सेक्शन बताना चाहेंगे जो आपको मजबूत है? एक और सेक्शन इन दोनों के अलावा। एक और सेक्शन। कोई और सेक्शन वास्तविक संख्याएं से पूछें तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में मूल का फॉर्मूला बताइए तो x बराबर जो लेते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का माइनस बी बार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। एक्स का मान अगर पूछें मूल मूल क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय टू। डी बाय टू। डी क्या होता है? डी विवेचक। विवेचक क्या होता है उसका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वेरी वेरी। चलिए आप बोलिए तो आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है? सिर्फ पूछ सकते हैं लगभग सारा सेक्शन मजबूत है। अच्छी आवाज़ आए जब आप उसको सुनिएगा ना बाद में एकदम क्लियर आवाज़ आएगी आपको। कहाँ सुनेंगे? YouTube पर जब अपलोड करेंगे सबका एक बंदर में अपलोड करेंगे सबका। मेरा YouTube चैनल जो है AR Mathematics क्लासेस का इसी वो से आप सबका आएगा। कुछ से अभी बच रहा है हाँ जी पीछे भी आ रहे हैं आप लोगों का। तो सारा सेक्शन वर्क होता है तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से यानी कि वास्तविक संख्या से। बोलिए वास्तविक संख्या क्या? प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। अगर आपसे पूछे हैं बताइए परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो या लाया जा सके जहाँ पी और क्यू कोई पूर्णांक संख्या पूर्णांक होना चाहिए टू जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दो संख्या का एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का एलसीएम पहली संख्या नहीं समझ दो संख्या जैसे तो उसका गुणनफल चार और दो का एलसीएम कितना होगा? उसका अपवर्तक वही चार और दो का एलसीएम बता दीजिए कितना? चार। चार होगा। कहते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो वैसे परिभाषा बोलिए ना सर बता दें। कोई बात नहीं बस हम जानना चाह रहे थे एलसीएम का आपको आइडिया है एलसीएम का आपको आइडिया है दो और चार का एलसीएम आपने कहा चार बिल्कुल सही है। प्राइम नंबर बताइए। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो हो। जैसे एग्जांपल दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह जिसका जिसका चर पे घात एक हो। कंडीशन बताइए जब दो क्वेश्चन हल होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए यानी कि अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होगा? a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर होना चाहिए। नहीं नहीं वो विरोधी होगा। हाँ कहते हैं कि अविरोधी का हल होना चाहिए। क्या होगा जी? ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अच्छा बताइए अगर हमारे पास अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण का मूल है या जीरो से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय एक्स का मान बताइए तो द्विघात समीकरण में एक्स का मान निकालते कैसे? माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू है। एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थेल्स प्रमेय यदि कोई त्रिभुज है तो उस यदि कोई त्रिभुज है उसके समांतर खींची गई रेखा उन दोनों त्रिभुज के जो भुजा है उसको बराबर भागों में बांटता है। यानी कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। बोलते हैं थेल्स का परिमेय। ठीक है एक हमारे पास सर्कल है ठीक है उसके बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? दो। अगर किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? सर्कमफेरेंस अनंत 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 सर्कल के अंदर एक बिंदु है उस पर उस बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? सर्कल के अंदर एक बिंदु है अनंत सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर एक पॉइंट है कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? दो दो दो। आप बोलिए सर्कल यानी कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है P यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है सर्कल बोलो इसी सर्कल के हाँ इसी सर्कल एक भी नहीं वेरी गुड एक भी नहीं क्योंकि जैसे सर्कल पर खींचेगा तो कट कर देगा सेकंड हो जाएगा तो छेद करेगा छेद कर देगा सर्कल के बाहर होना चाहिए ये तब टेंजेंट खींचाएगा अदरवाइज टेंजेंट स्पर्श रेखा नहीं खींचाएगा। नो नो एनी टेंजेंट यहाँ से कोई टेंजेंट नहीं खींचाएगा। वेरी गुड। चलिए
निर्देशांक जानने के लिए बताइए मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था मध्य बिंदु का? x1 plus x2 plus x3 by x बिंदु का मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by divided by 2 क्या सही है दानिश? सही है, आप याद आया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का जोड़ देंगे कोऑर्डिनेट ऐसे सा नीचे दो से था तो कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे दो से था x1 plus x2 divided by 2 और y1 plus y2 divided by 2 याद आया? क्या था? वेरी गुड। चलिए सर का क्या एरिया बताइए? पार स्क्वायर सेक्टर क्या होता है यानी कि त्रिज्यखंड थीटा पायर स्क्वायर थीटा बटे 360 गुना पायर स्क्वायर ये हो गया इसका फार्मूला। चल ठीक है, सिलेंडर का बताइए तो बेलन का आयतन पायर स्क्वायर h गोले का आयतन बोलिए गोले का आयतन 4 बाय 3 पायर क्यूब छिन्ना का बताइए आयतन पाई h बाय 3 इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, साइन 60 का मान बोलिए। साइन 60 √3/2। कॉस 30 का मान बोलिए तो कॉस 30 √3/2। वेरी गुड। टेन 45 का मान 1। टेन 30 का मान टेन 30 √3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टेन 30 का मान कैसे बोलिए? टेन 30 1/√3 टेन 60 √3। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगर आपसे पूछे हम कॉस 90 डिग्री माने थीटा कितना होगा? कॉस 90 डिग्री साइन थीटा। साइन 90 डिग्री माने थीटा कॉस थीटा। चलिए अगर आपसे हम पूछें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? वन। वन किसका किसका फॉर्मूला होता है? तो वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, सेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन। क्या सही है? कॉसेक स्क्वायर उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन होगा। चलिए माध्य क्या होता है? माध्य जैसे कि कोई संख्या उसके बीच का मान वही माध्य होता है। निकालते कैसे हैं? या तो एक अगर इसमें तो समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, या अगर संख्या में दो तो उन दो संख्याओं का योग सभी जितना संख्या थे उसका योग बटे जितनी संख्या है। अगर हमारे पास दो ही संख्या है तो माध्य कैसे निकालते हैं? ए और बी हाँ उसका हो जाएगा माध्य ए प्लस बी बाई टू। आप बताइए तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जिससे आपसे पूछा है? जिसमें एक्स का मान दो जिस पर बोलेंगे पावर घात वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर दो द्विघात समीकरण में एक्स का मान निकालना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट थ्री रूट रूट डी बटे टू ए बताइए डी विवेचक बी स्क्वायर माइनस फोर एस डी का मान जीरो हो गया तो असमान वास्तविक और समान समान आदि का मान अगर जीरो से छोटा हो गया तो जीरो से छोटा हो गया तो वास्तविक वास्तविक असमान भी हो जाएगा। अगर जीरो से छोटा हो गया तो अवास्तविक भी होगा असमान भी होगा, अलग अलग भी होता है। अच्छा अल्फा बीटा अगर रूट्स आपको पता है द्विघात समीकरण का मूल जिसको बोलते हैं तो वो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण माइनस बी बटे अगर अल्फा बीटा हमको रूट्स पता है तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे? बोलो दानिश बोलो कैसे फार्मूला कैसे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा बराबर 0 कैसे है बराबर 0 द्विघात समीकरण तो समीकरण 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 तो बराबर 0 लिखेंगे क्या सही है क्या सर? मैंने कहा कि अगर अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? a into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta आपने पॉलीनोमियल बता दिया हम कुछ ना कि बराबर 0 तो ये 0 चला जाएगा 0 इसे बराबर 0 करेंगे तो a उधर जाके क्या हो जाएगा 0 फिर बोलेंगे x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta बराबर 0 0 ये हमारा अपने ऑप्शन यस सर। ठीक है चलिए अगला सेक्शन क्या बताया आपने? ap 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 क्या होता है? जिसे d का मान d
गैप गैप बराबर नंबर्स गैप सेम होना चाहिए। जान रहे हैं इनका नहीं पाएगा कोई बात। वो जो गैप होता है उसका नाम है क्या नाम है उसका? वी थिंक डी नो डी चार वन तो सवांतर ना बोलते हैं जी सर। कॉमन डिफरेंस सवांतर किससे डिनोट करते हैं? डी से। डी से फार्मूला क्या होता है डी का? बी स्क्वायर माइनस फोर एस डी का एक दूसरे से पहले घटा दे। हाँ यहाँ वाला डी है सामान्य सर। टी टू माइनस टी टू या ए टू माइनस ए टू टू कुछ टी थ्री माइनस टी टू यस टी फोर माइनस टी जस्ट उसके पीछे वाला घटाना है ना। चलिए आप लोग मतलब आइडिया है टी एन का फॉर्मूला टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे का फॉर्मूला एन बटे टू ब्रैकेट टू ए ब्रैकेट टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए आप बताइए कौन सा सेक्शन से पूछा जाए त्रिकोणमिति से पूछिए हाइट एंड डिस्टेंस से और एपी से एपी जिसमें ए बी सी का अंतर समान हो अंतर समान का क्या नाम है? डी कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का बी माइनस ए कौन से दो घात समीकरण से ए पी का डी बराबर बी माइनस ए बी माइनस ए टी टू माइनस ए टू माइनस टी वन या ए टू माइनस ए वन। अभी हम बात कर रहे हैं ए पी ए पी में बात कर रहे हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या होगा या ए एन का? टी एन का ए प्लस टी एन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी का एन वाई टू एन वाई टू इन टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। त्रिकोणमिति लंब जिस पे जैसे समकोण त्रिभुज है उसके सामने उदा कर्ण है ठीक है जो जिस पे वो कोण बना हुआ है ना वही उसके जैसे कोण है जो उदाग्र रेखा है ना वही है ऊर्ध्वाधर रेखा बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन एक और एक्सप्रेशन है जो न्यून कोण के सामने वाला साइड होता है वही कर्ण होता है। 90 डिग्री ऐसे करके बना है 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री होगी इसके न्यून कोण के सामने वही कर्ण होगा ऐसे अगर बन रहा है जी हां भाई ये है इसका 90 यहां ठीक है 45 का इसके सामने वाला ही लगा बाकी जो बचे होते हैं पीछे। चलिए बताइए तो साइन 60 का मान साइन 60 का मान रूट थ्री बाय साइन 45 का मान साइन 45 वन बाय रूट टू कॉस 30 का मान कॉस 30 का मान वन बाय टू नहीं रूट थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू टेन 60 का मान बोलिए टेन 60 का मान रूट थ्री टेन 90 का मान बोलिए टेन ऊपरी भाजित 90 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
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। हाइट डिस्टेंस में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग माने यूज, तो एक उसमें आता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो क्या होता है उन्नयन कोण? उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की ओर मीनार की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। इससे जितना सर उठाते ऊपर की तरफ देखता है ना, दृष्टि रेखा से होते हैं जो लाइन होता है लाइन ऑफ दृष्टि, या उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं सामने वाले को, और ऐसे हो जाता है दृष्टि रेखा। तो उसमें जो एंगल बनता है उसके बीच में वही क्या होता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण होता है क्या होता है? ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं छत के ऊपर से नीचे की ओर। वेरी गुड। अच्छा हम लोग जब अप्लाई करते हैं त्रिकोणमिति को हाइट एंड डिस्टेंस में, मान लो एक आदमी को टिप रहा है, ठीक है, पतंग उड़ा रहा है, और पतंग का हाइट हमको पता है कितना हाइट पर पतंग उड़ रहा है, और पता है कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताइए तो उसका अगर डोरी का लंबाई निकालना हो तो कैसे निकालें? कौन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला कॉस वाला कि टेन वाला? फिर से बोलिए सर। मैंने कहा कि एक आदमी पतंग उड़ा रहा है, हाँ, और पतंग का हाइट है कुछ दिया गया, पतंग का हाइट दिया, हाँ, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो आपको पता है, ठीक है, और 45 डिग्री का एंगल बना रहा है,
तो बताइए डोरी का लंबाई कितना है? 45 डिग्री का साइन आएगा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है, हमको निकालना है एच, क्योंकि एच होगा वही डोरी वाला लंबाई जो है वही एच है, वेरी गुड। यानी कि हमको पी बाई एच अप्लाई करना होगा, पी बाई एच क्या हुआ साइन, साइन। एक और बताइए, आप पॉजिटिव लगा सकते हैं, पॉजिटिव लगा सकते हैं। एक और बताइए जो सेक्शन आपको मजबूत लगता है इस दोनों के अलावा, कोई और इसके अलावा कोई और सेक्शन जो आपको लगता है कि हाँ उसमें हम जवाब दे सकते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से तो बताइए द्विघात समीकरण का रूट्स क्या होता है? रूट्स बोलिए तो नियम नहीं, रूट्स का मतलब होता है मूल, मूल। हाँ मूल, मूल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मतलब अगर ऐसा है तो x का जो मान होता है वही रूट्स कहलाता है। तो x का मान कैसे निकालते हैं? x का मान फॉर्मूला लगा माइनस बी करके जो फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे टू ए। डी क्या होता है? विवेचक विविध कर। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? बी स्क्वायर माइनस फोर्टी सी। वेरी गुड। अगर विवेचक जीरो हो गया तो क्या होगा? वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, समान होगा। चलिए आप लोग मुबारकबाद के हकदार, और रिजल्ट वाले दिन आपको पता चलेगा इन्हीं में से कोई बच्चे टॉप में है, कोई टॉप वन में, कोई टॉप टू में, कोई टॉप थ्री में, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आप लोगों को मैसेज करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल प्रेजेंट रहना है, मिस नहीं करना, ठीक है? तो आप ये मान के चलिए जैसे सी बी एस ई का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, ठीक है? तमदान से पहले ही कोशिश करेंगे, तमदान से पहले कोशिश, ठीक ठीक है? शुक्रिया आपको, आए, थैंक यू।